Hi, so this is Parik from Coding Ninjas. So I want to talk about the best 5 tips or the 5 check boxes that you need to tick to crack big product-based companies like Amazon, Google, Microsoft, Adobe, etc. Okay, so the first checkbox or first tip is, I think everybody knows that you need to be very, very good in data structures and algorithms, right? What I mean by a very good in data structures and algorithms is that कोई भी problem दी जाएगी तुम्हें उसका बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर पता है, कौन सा इसमें बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. दैट इज द स्किल यू नीड टू लर्न टू सॉल्व एनी कोडिंग प्रॉब्लम गिवन इन द इंटरव्यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, है ना. एंड वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 250 to 300 प्रॉब्लम्स बाय योर ओन हैंड्स. हमें हर टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज एरेज, strings, linked list, stacks, queues, hash map, priority queue, इन सब डेटा स्ट्रक्चर पे कम से कम 20 to 25 प्रॉब्लम करनी है. तब जाके हमें आइडिया होगा यार एक प्रॉब्लम दी जाएगी रैंडम, यार इसमें ना बेस्ट अप्रोच है हैश मैप लगा दो, यार इसमें प्रायोरिटी क्यू लगा दो, तो ये बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाएगा, यार इससे ना ये एन लॉग इन में हो जाएगा, ये एन स्क्वायर में हो जाएगा. दैट इज वॉट यू नीड टू लर्न फॉर क्रैकिंग दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. आई एम टेलिंग यू सबसे ज्यादा वो इन्हीं चीजों पे चेक करते हैं. अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली चांस है कि किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को निकाल सकते हो. कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो केवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ही पूछती है. सो वी हैव टू फर्स्ट टेक दिस चेकबॉक्स एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ये कैसे होगा एंड दैट यू हैव टू डू टू फिल दिस फर्स्ट चेकबॉक्स. ठीक है, सेकेंड चेकबॉक्स विच जनरली दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चेक इज हैबिट ऑफ राइटिंग कोड ऑन पेपर और व्हाइट बोर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग क्या करते हैं, लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है यार, सोच लिया दिमाग में और उसको फिर उठा के लैपटॉप पे कोड कर दिया. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यू के टाइम वो लैपटॉप पे कोड नहीं करवाएगा, वो पेपर पे कोड करवाएगा. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लैपटॉप पे फटाफट कोड कर देते हैं, बट जब उसको लिखने की बारी आती है दे आर टू स्लो. है ना, एक घंटे का इंटरव्यू है, 45 मिनट्स तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अराउंड जाएगा, तुम्हारे थॉट प्रोसेस के अराउंड जाएगा, बट लास्ट के 15 मिनट ही मिलेंगे कोड करने के, एंड वो भी पेपर पे करना हो. सो प्लीज हैव अ हैबिट कि यार मैं कोड कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम के लिए पहले पेपर पे करने की कोशिश करता हूँ, फिर उसको उठाते तुम लैपटॉप पे करो, स्पेशली बिफोर द इंटरव्यूज. ठीक है ना, जैसे तुम्हें लग रहा है कि 2 महीने बाद इंटरव्यूज है मेरे, तो डेफिनेटली हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन पेपर या फिर व्हाइट बोर्ड, कोई भी चलेगा. सो दैट इज वॉट यू नीड टू लर्न टू क्रैक दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. आई एम टेलिंग यू वो इंटरव्यू में पेपर पर कोड लिख पाएंगे, राइट. सो That is a thing you need to do. The third tip is projects. ठीक है, so projects हैं हमें ना stand out करने में chance देते हैं कि यार अगर if companies there and उसको 5 बंदे लेने हैं and if there are 8 people who are good in data structure algorithms तो वो 5 ऐसे बंदे लेगी जिन्होंने projects बनाए. And what I mean by projects is ये नहीं GitHub पे डाल दिया बस link, नहीं, क्या वो live है? अगर मेरी Android app है क्या वो Play Store पर है? यार इस बंदे की प्ले स्टोर पर है, इसने रिज्यूमे में प्ले स्टोर का लिंक डाला है. अगर मेरी वेबसाइट है तो क्या उसके वेबसाइट का लिंक है, this.com है, कुछ है? अगर वो है तो इस बंदे का लाइव प्रोजेक्ट है, क्या वो तुम्हारा देख सकता है प्रोजेक्ट, राइट. सो यू नीड टू हैव एन हैबिट कि तुम उसको प्रेजेंट कर पाओ. सो हैव द लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन रिज्यूमे. कोई मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है तो गिटहब पे जाके उसको रन करके दिखाओ कि कहीं वो देख सके, देखो मैंने एल्गोरिथम लगाई और इससे ये बेस्ट रिजल्ट आ रहा है. Right? So have something which is live. So live projects is the third most thing which you need to fill. And I will recommend maximum 2 rakho. ठीक है ना, अगर एक live project बहुत अच्छा है वो भी बहुत सही बात है, enough होगा वो भी. अगर वो अच्छा है और live है that's absolutely great. 2 होंगे बहुत सही है. You have fulfilled the complete checkbox. So 2 कर लो, that is more than enough. The fourth point I want to talk about is जो टॉपिक्स है, अदर टॉपिक्स जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या किसी भी प्रोग्रामर से एक्सपेक्ट किए जाते हैं, दोज आर ओएस, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एप्टीट्यूड. सो ये टॉपिक्स को हम मिस कर देते हैं. हम कोडिंग में बहुत अच्छा होते हैं बट ये टॉपिक्स नहीं ध्यान देते. बट ये टॉपिक्स का ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर तुमसे ओएस की बात करो तो ओएस का डेडलॉक क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होते हैं, उसके अराउंड इधर उधर घुमा के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो यू शुड बी एबल टू टेल देम इसको ऐसे करना है. डीबीएमएस की बात करो तो डीबीएमएस में हमें क्वेरीज का पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज अगर हमसे पूछी जा रही है, यार इस टेबल में मुझे ये डेटा निकालना है तो मैं उसकी कैसे क्वेरी लगा सकता हूँ.
है ना, आई एम टेलिंग यू डीबीएमएस तुम 3 दिन में सीख सकते हो। डब्ल्यू 3 स्कूल्स पे जाओ, वहां फॉलो करो एक एक क्वेरी ढंग से, फिर एक दिन लगा के पूरी प्रैक्टिस करो, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज खुद से राइट करने की कोशिश करो एंड यू कैन लर्न डीबीएमएस। स्पेशली टेक केयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन एज वेल, मोस्टली इंटरव्यूज नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व होते हैं एंड सेम होल्ड फॉर सिस्टम डिजाइन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इन सब में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई बोल रहा है यार ट्विटर का सिस्टम कैसे बना है, यार फेसबुक का सिस्टम कैसे बना होगा, यार फेसबुक मिलियन यूजर्स को कैसे हैंडल करता होगा। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ो, इंटरव्यू कैन आस्क दीज थिंग्स कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है कि फेसबुक मिलियन यूजर्स को कैसे हैंडल करता होगा, राइट? नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट करा वो सबके पास कैसे जा रहा है। सो यू नीड टू लर्न कि ये सब चीजें कैसे होती है, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके, द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक इज जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इंटर्नशिप्स। इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे पास होगा ना, आई एम टेलिंग यू दे विल हायर यू फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप्स अगर तुम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कर लेते हो तो उन्हें लगता है यार इसने ना ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रखी है एंड इसको काम करना आता है तो इसको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, तो ये जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो कहीं पर भी इंटर्नशिप करो, नॉट इन अ बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ओनली, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक कोडिंग निंजास में इंटर्नशिप करो। देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो शायद स्मॉल स्टार्टअप्स है बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? विच इवेंचुअली फिर बाद में अगर बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो वहां एडवांटेजियस होगा, राइट? बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा और इंटर्नशिप के साथ साथ प्रोजेक्ट भी बन जाएगा तुम्हारा। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी फिल्ड इन दिस। दो जो एक छोटी सी चीज है स्पेशली फॉर ऑन कैंपस पीपल, एप्टीट्यूड को लाइटली मत लेना। क्या होता है ऑन कैंपस में सब लोग कोडिंग कर लेते हैं बट एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस जिसकी अच्छी होती है ना इवेंचुअली वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर रहा होता है, राइट? सो हमारे को एप्टीट्यूड साथ साथ करते रहना है। रोज आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस की, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की, जिसमें जनरली लोगों को टाइम लगता है, राइट? सो टफ टॉपिक्स लो एंड उसको साथ साथ प्रैक्टिस में रहो जिससे कि जब एप्टीट्यूड का टेस्ट आए तो तुम एप्टीट्यूड की वजह से हटो ना, राइट? कोडिंग की वजह से हटो समझ में आता है कि यार चलो यार थोड़ी कम प्रैक्टिस करी होगी या नहीं हो, एप्टीट्यूड में कैंसिल आउट नहीं हो सकता, राइट? सो आई थिंक दीज आर द 5 बेस्ट चेक बॉक्सेस विच यू नीड टू फिल एंड आई एम टेलिंग यू अगर ये चेक बॉक्सेस फिल कर लोगे शायद एकदम से ना लगे बट 2-3 महीने में डेफिनेटली इफ यू आर एबल टू अप्लाई हियर एंड देयर डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ओके, क्या है चेक बॉक्सेस? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कोडिंग ऑन पेपर और व्हाइट बोर्ड, लाइव प्रोजेक्ट्स, OSDBMS system design and computer networks and internships. Okay, and specially for on-campus people, active. Okay, so ye sare check boxes fill karo. I'm telling you, you will be in the one of the big product company one day. Okay, thank you. What are the different type of companies in terms of hiring are there, right? And what are each of these types of companies looking for in terms of skill set from the candidates as well? Right. So if we talk about different type of companies, I think overall, all of you should understand that there are 2 main categorization that we can do for software engineering companies. One is going to be product based companies. Second is going to be service based companies. Now, what does that mean? Right. So a product based company is a company which is working on technology for their own customers. Right. It's as simple as that. Right. Like, so Amazon is building their website, their technology, so that they can serve their customers better. Coding Ninjas is building a software, building technology to make sure that students learning from Coding Ninjas have an amazing experience, right? So we are, Amazon, Google, Microsoft, all these are product-based companies. Then you have service-based companies, which basically means that I am not building software for myself. I'm building it for some other company who is going to basically, who has some requirement, and they don't have tech capability within themselves, like within the company itself. So they are basically outsourcing that work to me because I have the technology capability, they don't have it. A perfect example of this will be, let's take an example of a bank like SBI, right? SBI is an expert at finance. SBI is expert at banking. They're not expert at technology. So what they generally do is, if they have some technology requirement, they will outsource this to a company like a TCS, Infosys, or a company like these, right? So these are TCS, Infosys, etc. are service-based companies which are basically doing this work for some of them. So this is very, very important for you to understand because their hiring criteria, the way they hire, is extremely different. And the sort of salaries they give
is also extremely different, right? So if you will look at TCS, Infosys, and all other service-based companies, their salaries will be in the range of 3 to 5 LPA, 3 to 5 lakh per annum, right? Like that's generally what a typical salary would look like. And when they are looking to hire, they are expecting that you are smart. That's it. They are not expecting that you are really good coder. Basic programming is okay. Your aptitude is good. Your communication skills are decent. Right? That's what they generally tend to focus on. They don't expect you to be really great programmer to basically hire you. And the simple reason for that is they need to hire tens of thousands of people every year. And if they try to find 10,000, 20,000 good programmers every year, it's going to be extremely hard. Sadly, it's going to be extremely hard to find in India. Like if you want to hire so many good programmers, it's not going to be possible. Right. So what they do is they hire people who are decently smart, and then they will train them over 6 to 8 months and then get them to start working on the projects that they want people to work on. So this is basically one sort of company. The other set of companies is basically where mostly everybody wants to do it, right? That's sort of like the target that everybody wants to go to. That is product-based companies. And the reason is that they tend to pay higher. Also, the work tends to be better as well. Your growth tends to be better as well in terms of learning experience, as well as salaries, as well as everything else, right? A simple reason is that once you are working on a product, you are constantly working on that, improving that, learning user feedback, then improving it further, working on how to make it faster, right? Like you have to constantly keep working on iterating on the same product. Whereas if you're in a service-based company, you work on a product, you bring it to a certain level, then you give it to the actual company who wanted to get that done. Then you take another project, you begin from scratch, which generally tends to be repetitive, right? Like you do the same step to start building the project. So once you have built the project, then basically things get a little more interesting. That doesn't really happen in case of services company in a lot of cases. In some cases, it will definitely happen. In a lot of cases, that doesn't happen. So a lot of people want to get into product-based companies. And when you're looking at product-based companies, their requirement is not 10,000, 20,000 people every year, right? So they definitely want people who are really good programmers, right? Now within this, some companies focus on data structure algorithms as the primary skill set when they are hiring. Some companies tend to focus on development skills as well. So development skills are basically what you really have to do, what you actually have to do once you join the company, right? Once you actually join a company, So what you need to do is you need to build websites. You need to build Android applications. You need to work on machine learning algorithms. You need to work on real development skills. And that's what basically companies are looking at in terms of their hiring. Hi, myself Arik here. So in this video, I'm going to discuss a whole roadmap to crack placements in product-based startups. है ना, तो अगर तुम स्टार्टअप देखोगे Zomato, Ola, Oyo Room, Swiggy, कितनी अमेजिंग जगह है टू वर्क फॉर. तो स्टार्टअप्स के ना बहुत ज्यादा अपने आप में फायदे होते हैं एंड दीज आर द अमेजिंग कंपनीज टू वर्क फॉर. अगर मैं पैसों की भी बात करूं तो पैसों में एवरेज पैकेज 1 लाख पर मंथ होता है, जो कि बहुत सही पैकेज है, विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू योर अदर बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, Amazon, Microsoft वगैरह के बराबर होता है. और ESOPs के सबसे ज्यादा फायदे होते हैं, राइट? Amazon, Microsoft में लाइक अगर स्टॉक्स हैं तुम्हारे तो 2x, 3x मैक्सिमम इतना टाइप्स ग्रो कर जाएंगे. बट अगर स्टार्टअप में हो तो 10x हो सकते हैं, 20x हो सकते हैं, और कुछ कुछ स्टार्टअप्स में तो एक्सपोनेंशियली भी ग्रो कर जाते हैं, है ना. बट इन सब के अलावा सबसे बड़ा फायदा है तुम्हारा जो लर्निंग कर्व होता है ना एक स्टार्टअप में, वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू दिस बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. अगर तुमने 2 साल स्टार्टअप में वर्क कर लिया, तुम केवल टेक में अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो केवल टेक नहीं सीखोगे, यू विल डील विद मार्केटिंग पीपल कि कैसे काम करवाना है, क्यों काम करवाना है, तुम्हें बहुत कुछ एक स्टार्टअप के बारे में इंटरनल नॉलेज पता हो जाएगी, है ना. सो ये सब अपने आप में फायदे हैं. अब हमारे को अगर स्टार्टअप्स में जॉब्स निकालनी है तो थोड़ा सा अलग स्किल सेट चाहिए होता है. सो मैं उसी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टार्ट कैसे करें इफ वी एम फॉर स्टार्टअप्स, और हमें क्या क्या करना होगा अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए स्टार्टअप्स में, ठीक है. सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा. और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक स्टार्टिंग एज अ प्रोग्रामर सबके लिए कॉमन है, चाहे वो स्टार्टअप में जाना है, चाहे बिग प्रोडक्ट कंपनी में जाना है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स. द ओनली थिंग हियर इज यहां तुम्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं बनना है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स,
बट एक डिसेंट लेवल तो बनना है ना, मतलब इंटरव्यू में आएंगे एक दो इंटरव्यू तो डीएसएन एल्को के होंगे ही होंगे, बट उसमें बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यूज, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन, इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड हमें 200 से 250 क्वेश्चंस, 20-20 क्वेश्चन पर टॉपिक अगर हम कर लेंगे एंड हम बेसिकली इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वाले नहीं, तो हम बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में अच्छे हो गए हैं और जो हमें इन कंपनीज को निकालने के लिए डीएसएन एल्गो जितना आना चाहिए वो हमने कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कहीं से भी कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर अवर पब्लिक प्लेटफॉर्म कोड स्टूडियो, वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अच्छे से स्टार्टिंग में 3-4 महीने लग के हम डीएसएन एल्गो में अच्छे हो जाएंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारे लॉजिक्स बढ़िया हो जाएंगे। अब हम बेसिकली हमारे अंदर एक वो आ जाएगी कि हम ऑप्टिमाइज कोड लिख पाते हैं जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ने बना दिया है। ठीक है, बट केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बेसिस पे तो जॉब नहीं निकलेगी, स्टार्टअप्स में डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा स्किल सेट चाहिए और एक अच्छे लेवल तक चाहिए होता है, मतलब ये चीज ज्यादा मैटर करेगी फॉर क्रैकिंग द स्टार्टअप जॉब्स रेदर देन योर डीएसएन एल्गो पार्ट। एंड वो चीज क्या है, तुम्हारी कुछ डेवलपमेंट की नॉलेज, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, इन तीनों में जनरली मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर इन दीज डोमेन्स, है ना, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट में होते हैं, बिकॉज वेबसाइट सबको चाहिए और वेब डेवलपमेंट में बैक एंड वाला पार्ट भी आता है कि पूरा डेटा कैसे स्टोर होता है, है ना। तो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज पार्ट्स और उसके बेसिस पे तुम अच्छी खासी जॉब्स निकाल सकते हो। सो वेब डेवलपमेंट अगर तुम चुनते हो तो देखो यहां पर हमें बेसिकली स्टार्टअप अगर हम जा रहे हैं तो मोस्टली लोग फुल स्टैक डेवलपर हायर करते हैं, तो तुम ये नहीं बोल सकते यार मुझे फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना है, बैक एंड डेवलपर ही हो रहा है, तो बेसिकली वो थोड़ा सा बड़ी कंपनियों में ज्यादा होता है। स्टार्टअप में क्या है यार, एक बंदे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, सो अगर हम फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली स्टार्टअप्स हैं तो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से कोड लिखा जा रहा है, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें फ्रेमवर्क्स के साथ सीखना होगा। तो अगर हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं तो HTML, CSS, JavaScript तो सीखेंगे, वो तो अच्छे लेवल पे करना है, बट उसके साथ एक फ्रेमवर्क भी सीखेंगे, चाहे वो रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो, तब हम एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे, बट फ्रेमवर्क यहां मिस नहीं कर सकते, हमें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जब तुम वेब डेवलपमेंट में बैक एंड सीखोगे तो ऑब्वियसली यू विल लर्न अबाउट क्रड ऑपरेशंस, वो तो सही है, बट उसके अलावा हमें एक फ्रेमवर्क के साथ नॉलेज देनी पड़ेगी। अगर हम पाइथन में करें तो जैंगो सीखना पड़ेगा, रूबी विद रेल सीखना पड़ेगा, वरना आज की डेट में नोड जेएस बहुत कॉमन है, ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, राइट। वहां पर हमें फ्रेमवर्क ही सीखना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली स्टार्टअप्स नया कोड लिख रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हैं, तो वो फ्रेमवर्क की नॉलेज थोड़ी मांगते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली फुल स्टैक डेवलपर मींस फ्रंट एंड बैक एंड पूरा अच्छा हम कंबाइन करके लिख रहे हैं, सो दैट इज अ थिंग वी नीड टू डू। तो 2-3 महीने लग के सीखेंगे, साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो हम एक डिसेंट फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तुम अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, क्या मैटर करेगा, तुम्हारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर रिज्यूमे विल बी योर प्रोजेक्ट। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो ई कॉमर्स टाइप का हो सकता है, वो सोशल मीडिया ऐप टाइप्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो बेसिकली जिसपे तुमने 2 महीने लग के काम करा हो, तुम्हें पूरा APIs का यूज करना आता हो, तुम्हें पूरा फ्रंट एंड से बैक एंड पूरा कोड कैसे चलता है, तुमने इनफ एज केसेस हैंडल करें, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया ऐप में, तो लाइक करो तो अनलाइक कैसे होगा, ये सब चीजें, मतलब इनफ एज केसेस अगर कर रखे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, राइट। ये तो हो गई वेब डेवलपमेंट की पार्ट। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पहले सीखो 2-3 महीने लग के, फिर 1-2 महीने लग के बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाओ और लास्ट में उसको लाइव कर दो, राइट। उसको लाइव करने से जो वैल्यू एड होगी ना स्टार्टअप को, कि भाई बंदे को लॉन्च भी करना आता है, वो तुम्हारे को बहुत अलग लेवल पे ले जाएगा। दिस इज अबाउट द वेबसाइट थिंग, ये पूरा एंड टू एंड कर लो एंड रिज्यूमे पे जब डालोगे प्रोजेक्ट विद अ लाइव लिंक, बहुत अमेजिंग चीज लगेगी। ठीक है, सिमिलरली यू कैन चूज द ऐप डेवलपमेंट पार्ट एज वेल। अगेन ऐप में क्या है, अगर तुम एंड्रॉइड चुन रहे हो चाहे बेसिकली iOS चुन रहे हो, बट आज की डेट में थोड़ा सा फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्ट नेटिव की बात करूं तो उससे क्या होता है, iOS एंड एंड्रॉइड ऐप दोनों बन जाती है, तो दैट इज अ क्रॉस नेटिव प्लेटफॉर्म। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज स्टार्टअप्स के पास रिसोर्सेस कम होते हैं, उन्हें कम बंदों से ज्यादा आउटपुट निकलवाना है, सो दे बेसिकली प्रेफर पीपल जो बेसिकली शायद रिएक्ट नेटिव अच्छे से जानता हो, वो iOS भी खड़ी कर देगा अपने लिए और एंड्रॉइड भी बना देगा ऐप, है ना। तो बेसिकली अगर हम फ्रेमवर्क्स, न्यू फ्रेमवर्क्स के साथ सीखेंगे तो हमारे को थोड़ा सा एज रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली एंड्रॉइड ऐप है तो अच्छे से हमें ऐप की ब्यूटिफिकेशन तो अच्छे से आनी चाहिए, कि कैसे
ओवरऑल चलता है, अगर हमने रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क करा होगा तो हम अच्छे से सीख लेंगे। एंड उसमें जब हम एपीआई रिक्वेस्ट मारेंगे, पूरा डेटा कैसे आया, पूरा फेच कैसे हुआ, अगर फायरबेस यूज कर रहे हैं तो फायरबेस से कैसे डेटा आएगा, ओवरऑल ऐप में भी मैटर करेगा तुमने एंड में एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो, बिकॉज उनको एक्सपेक्टेशन है मैं एक ऐप डेवलपर रखूंगा और वो मेरे लिए स्टार्टअप के लिए एक ऐप में पूरा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, ऑब्वियसली जितना बड़ा स्टार्टअप होगा उतने ज्यादा ऐप डेवलपर ही होंगे, बट दे आर एक्सपेक्टेड कि ऐसा ऐप डेवलपर है मेरे पास जो पूरा एंड टू एंड एक ऐप बना सकता है। ठीक है, तो पूरा एक प्रोजेक्ट बनाओगे बड़ा सा और उसको लाइव करोगे, अगर वो जो प्ले स्टोर का लिंक है तुम अपने रिज्यूमे पे डालोगे सो दे विल बी कॉन्फिडेंट कि यार ये बंदा पक्का मेरे लिए ऐप अच्छे से बना देगा, इसको तो डिप्लॉय करना भी आता है, लाइक दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग टू डू। ठीक है, तो ऐप डेवलपमेंट करते हो तो ये चीज अच्छे से फॉलो करना। और फिर एक मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में भी सिमिलर है, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो, 2-3 महीने लग के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन सब कुछ अच्छे से सीखो, प्रोजेक्ट्स के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट साथ साथ करते रहो, उससे पूरा सीखो और एंड में एक बड़ा प्रोजेक्ट करो, चाहे वो कैगल कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, कहीं से भी कुछ के करो, बट एक बड़ा प्रोजेक्ट रेडी करो और उसको गिटहब पे लाइव करो विद अ डेमो कि जो भी तुमने एल्गोरिथम लगाई है उससे क्या आउटपुट आ रहा है, क्या उससे तुम्हें ऐसा आउटकम मिल रहा है कि तुम्हारे डेटा की एक्यूरेसी बहुत सही है, राइट, जो भी है मतलब जो भी तुमने एक्यूरेट रिजल्ट निकाला है उसको शो करो, गिटहब पे डालो और जब वो लिंक अगेन तुम रिज्यूमे पे डालोगे तो वो कॉन्फिडेंट होंगे यार ये बंदा मशीन लर्निंग में बहुत सही है। देखो रिज्यूमे पे लिखने कुछ नहीं होता ना, राइट, वी नीड टू प्रेजेंट। अब हमने लिख दिया हमने ई कॉमर्स ऐप बनाई है बट तुम दिखा नहीं सकते तो फायदा नहीं है उस चीज का। मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिथम बहुत बढ़िया से बना दिया लेकिन उसको दिखा नहीं सकते, क्या फायदा, उनको कैसे पता लगेगा। स्टार्टअप नीड्स पीपल जो बेसिकली पूरा एंड टू एंड काम कर लें, अगर वेब डेवलपर है तो पूरी वेबसाइट संभाल ले, ऐप डेवलपर है तो ऐप को बहुत अच्छे से संभाल ले, मशीन लर्निंग है तो अच्छे से पूरा नहीं, लाइक ही और शी वुड बी द लीडर जो बेसिकली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अच्छे से दूसरों को गाइड भी कर सके, क्या काम कर रहा है पूरा अच्छे से नॉलेज हो, राइट। ये तीन डोमेन में एक ना एक डोमेन में किसी ना किसी में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट। वंस यू आर डन विद द प्रोजेक्ट आई टेक अ गारंटी, अगर DSNL को सही लेवल पर है, डिसेंट लेवल, मैंने बताया था डिसेंट लेवल की डेफिनेशन, और इसमें से किसी भी एक डोमेन में एक प्रोजेक्ट कर लिया है तो यू आर रेडी टू क्रैक जॉब्स इन स्टार्टअप्स। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाई की। अप्लाई करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, रोड मैप फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उस पर दोबारा बात नहीं करना चाहता, उसमें मैंने पूरा बताया है कि रेफरल कैसे अर्न करना है, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करना है, करियर पेजेस पे कैसे अप्लाई करना है, मतलब ओवरऑल हाउ डू वी नीड टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड गेट दोस जॉब्स। ठीक है, सो वो वीडियो देख लेना तो मैं पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे अब मैंने स्किल्स तो ले ली बट मुझे जॉब कैसे चाहिए, राइट, वो अच्छे से तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में बस एक ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, हम जॉब्स के लिए रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बस मैं थोड़ा रिकमेंड करूंगा स्टार्टअप्स में अगर हम कर सकते हैं तो इंटर्नशिप्स ट्राई कर लेते हैं, राइट, बिकॉज स्टार्टअप ना ऐसा होता है कि शायद कोई स्टार्टअप का प्रोडक्ट तुम्हें पसंद आए या ना आए, इट इज मतलब यू आर नॉट टू श्योर, तो स्टार्टअप में तुमने अप्लाई करा फॉर इंटर्नशिप्स, अप्लाई करो 1-2 महीने वहां काम करके देखो कि मैं एज अ वेब डेवलपर जा रहा हूँ क्या मेरे को इनफ, बिकॉज स्टार्टअप्स मतलब थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, बिकॉज हो सकता है वो स्टार्टअप मतलब उतना अच्छा ना करे तो वो शायद बंद हो जाए, राइट, तो तुम पूरा ओवरऑल एक जानना चाहते हो कि ये स्टार्टअप कितना काम कर रहा है, तो इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, तो स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स करो, वेब डेवलपमेंट आ गई है प्रोजेक्ट कर लिया है इंटर्नशिप के लिए तो बहुत आराम से ले लेंगे वो तुम्हें, ठीक है, अप्लाई फॉर दोस इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप करो 1-2 महीने, पसंद आए तो ऑब्वियसली वो अपने आप, अगर तुमने अच्छा काम करा तो ऑब्वियसली वो पीपी ऑफर कर देंगे, तो रेदर देन गोइंग डायरेक्टली फॉर जॉब्स आई विल हाईली रिकमेंड अगर हम इंटर्नशिप्स करके जाए, वेब डेवलपर है तो वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप कर लें जो भी हमें पसंद आई है कंपनी, क्योंकि नहीं आई पसंद हम तो दूसरे स्टार्टअप में कभी भी जा सकते हैं और वो एक्सपीरियंस हमेशा वैल्यू ऐड करेगा। सिमिलरली ऐप में अगर हम अच्छे हैं तो स्टार्टअप में अप्लाई करा 1-2 महीने इंटर्नशिप्स करी, पसंद आया तो ऑब्वियसली ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली मशीन लर्निंग इंटर्नशिप्स बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है फॉर स्टार्टअप, बिकॉज यू गेट टू नो एंड एंड टू एंड ऑफ दैट स्टार्टअप, है ना, समझ में आ जाता है कि इन लोगों का गोल क्या है, ठीक है, और ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है जो तुम्हारे को बाद में जॉब्स में भी हेल्प करेगा, और इन जनरल जो एक अच्छा कोड लिखना है वो एक एक्सपीरियंस से आ जाता है, जब तुम कहीं इंटर्नशिप करोगे वहां देखोगे लोगों को कि बाकी लोग कोड कैसे करते हैं तो तुम एक अच्छी कोड क्वालिटी वाला कोड लिखने लग जाओगे, है ना। सिमिलरली ऐप डेवलपमेंट करोगे तो वहां पर और ऐप डेवलपर्स होंगे वो कैसे कोड करते हैं, अभी तो तुमने खुद के प्रोजेक्ट पे काम करा था बट दूसरों को देख के सीखोगे अच्छा ऐसे भी कोड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में सिमिलरली अच्छा ऐसे भी एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं,
सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू एड करेंगी, ये सब चीजें तुम्हारे एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा वैल्यू एड करेंगी, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू आर कंप्लीटली रेडी टू क्रैक द जॉब. स्टार्टअप्स आर देयर टू हायर यू, उनको चाहिए ढंग के बंदे, बट उन्हें ऐसा बंदा चाहिए कि बंदा आए एक दो दिन देखे और काम करना शुरू कर दे, है ना. उनके पास टाइम नहीं कि किसी को सिखाए, वो सब ये चीजें सीख कर आएगा और हमारे लिए बढ़िया सा काम करेगा, ठीक है. सो ओवरऑल स्टार्टअप्स में लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, पैसे भी सही मिलते हैं, सो बहुत सही जगह है काम करने के लिए. इफ यू वॉन्ट टू ट्राई तो गिव इट अ ट्राई, अच्छे से ये स्किल सेट अर्न कर लो एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दोस जॉब्स. ओके, ग्रेट, थैंक यू. हे एवरीवन, दिस इज अंकुश एंड so we have a little different guest, I would say, this time for our series. We have Mr. Vidya Sagar with us. Vidya Sagar is currently a SDE2 at Microsoft. Before that, he was working at Amazon as a software developer. And before that, he spent close to 2.5 years at TCS. Right? So the interesting part is he did his engineering in electronics. From, I would say, more like a tier two college, so pretty decent college, but like he was in electronics, ended up at TCS and sort of decided that that's not what he would want like to do and sort of prepared to get into Amazon. And then within like year and a half, 2 years, he now is at Microsoft as an SDE2. Right. So I think this would work like a great motivation story for a lot of you. So just wanted to have a discussion with Vidya Sagar and like get to know him a little better. Hi, Vidya Sagar. Welcome to Coding Ninjas. Thanks, Ankush. Thanks for having me. So and it was a really nice intro. Yeah, thank you so much. So, I would love to sort of know you a little better, right? Like in the sense that would love to understand why did you sort of... So first of all, let's start with your college, right? Like, so you were doing electronics. Why did you decide to do engineering in electronics and not in computer science? Like, was that a calculated decision? How did that happen? That wasn't a calculated decision, to be honest. At least in my state, the order of courses were like first easy gets filled up and next mechanical gets filled up. So these two are the most sought out of courses, at least at my point of time in 2013. So I just went in with that myth. I didn't do much of research, to be honest. So that was the reason. Everyone was taking it and that was the one which gets filled first. And that's the reason I went with it. So apart from that, I don't have any other reason. Wow, that's surprising. I didn't know that is the case. Your state is Tamil Nadu, right? Yeah, that's right. Right. Okay. That's very interesting. So, So let's say that everybody in your state sort of likes to go to electronics first. So you went into electronics. Like, how was college? Like, did you enjoy electronics? What was the process like? How were the 4 years like? Did you do a lot of programming or not? Like, what was those 4 years like? So I didn't do much of coding the electronic subjects were pretty, you know, vast, I would say, because they can ask anything. If you study theory, they can ask problems. And if you study problems, they would ask derivations. So it's kind of like a mix and match and it's a big headache, I would say. So I didn't like much of easy, to be honest, but it was okay. It was fairly decent. And I didn't do much of coding. I had two coding classes. One in C and other in C++ in my first and second sem, but that was just basics. Data structures wasn't touched. Anything wasn't touched. So it was just pretty basic stuff. Okay. So how did you land up at TCS? Like, did you try to go to some EC like core companies, or did you sort of decided that that's not something that you want to do and you want to explore computer science? Like, what was the thought process at? Like, how did you land up at TCS? I didn't think about much about, you know, what these are the companies I want and stuff like that. College was pretty chill for me. Okay. I just went and, you know, I didn't study that much or I didn't have much aspirations at that point of time. So I just went in with, you know, okay, let's get placed in some company. And that's how TCS happened. So a good number of companies do come to my college, including top tier companies like Microsoft, PayPal. Everyone do come, but it was pretty much branch restricted or CGPA restricted, heavily CGPA restricted at that point. So what I mean to say is, suppose if you're from ECE, then you need to have a 9 point plus
Or if you're from CS, then a 7-point plus would be fine. So that those were the restrictions at that point. So I didn't have 9-point plus or anywhere close. So I didn't have much of choice, or I didn't know coding also. So TCS was one company which was, you know, which I attended and I got it. So that was okay. The thinking at that point of time. Yeah, I don't think you would like my question, but what was your GPA? It's 6.5. Okay. 6.54. So perfect. So now, so you got a job at TCS. You decided, you joined TCS. Now, what was your first, like, what was your initial experience like, right? Like now, you haven't done much programming, but you are now in a program. I'm assuming it was a programming job. So now you are in programming. So what was the initial experience like? When did you sort of decide this is not what you want to do and you want to like aspire for bigger companies or like better, I would say better companies or different companies? What was the time at TCS like? So TCS was pretty good experience, I would say. For the first, they have this initial training period, which was pretty chill, I would say. It's pretty good. And after the 1.5 years, I didn't face any issues. Like I was put into a kind of like a support project, I would say. I was put as a database administrator where I got to learn many database concepts, which helped me till now. So it was a pretty good experience. The work-life balance was pretty good. And it was a great experience, I would say. I wouldn't say anything else otherwise. Right. So it was good. I think everyone has to go through that, and it's pretty nice. Okay. So when did you decide that you want to move from TCS, like you want to go to like a company like Amazon, which obviously has a pretty different bar, right, in terms of if you want to get into TCS, if you want to get into Amazon, the bar is very, very different. So I'm sure like everybody working at TCS at some level, they do want to sort of upgrade in terms of the kind of company they are at, right? So when did you sort of decide that you want to do that and you want to aspire for something like Amazon and not like some more like in a mid-tier, like a little more, I would say a different service-based company or like a different, like you want to aspire for Amazon. So what was the purpose of that? So, okay, to be completely honest, I didn't aspire for Amazon. I just wanted to start my prep and kick off something and do something else. There are a few companies in my hometown, which is what I initially wanted in my career. Okay. I just wanted to be at home and go to those companies and come back. So that was my aspiration at that point. Later on, I prepared too much and I came to a point where, you know, I came too far and I cannot go back. So okay. At that point, I started applying to Amazon and other all of these tech companies. And that's how Amazon happened. To be completely honest, I didn't want like, you know, that company name or, you know, that package, I would say, to be completely honest. So how did you, that's the first time I'm hearing this, right? Like, so I didn't aspire to be that, but I just happened to basically, like I aspired to be somewhere, but I happened to be like, go beyond that. And I couldn't come back from there. So like, what does that even mean, right? Like, I'm sure you started preparing and you could have stopped at some level, but you sort of, you're saying that you just kept going and like you reached a place where you couldn't come back from. One of the reasons is those two companies, right? The ones which are my hometown, they rejected me. So I had to keep preparing and that's how it happened, to be completely frank. Right. So what was their process like? What were they looking for in your profile that you couldn't sort of get in? Actually, those failures helped me a lot, I would say, because they asked pretty standard data structures, algorithms, questions only. But I wasn't prepared at that point of time. And I was midway through the course, I would say. Like I took the Python basics and data structures course from Coding Ninjas. And I was just, you know, halfway through at that point. I didn't come to linked list and all, and I was asked a linked list question. So that was like, you know, okay, I need to complete this course and then only I can, you know, start to give interviews. And that took time. And by the time I completed, Amazon was, you know, I got lucky, I would say. Nobody gets lucky, man. I think you got lucky that you gave interviews a little early. And you got rejected by those two companies, so you basically sort of aspired for a little higher, right? Perfect. So you're saying that you sort of wanted to prepare for DS Algo and you sort of learned it from CN and like did it in Python. One question that a lot of people have is that did it, like having done it in Python, was that a problem? Like did
Amazon see it as a problem? Did they want you to do it in C++, Java, or were they okay with Python? No, I don't think any, like, you know, at least from big tech point of view, I don't think any company looks for a language oriented approach, because any language can be picked up by a good developer within like 10 to 15 days. It's just a matter of syntax, and which a lot of IDEs already help you. So they go more about the logic and how clean our code looks and, you know, how efficient it runs, and language wasn't a constraint, I would say. Python did help me initially, at least, because it has a simpler syntax and, you know, a lot of backend things are handled by itself and we don't need to do much about it. So that helped me a lot with Python, I would say. Okay. So when you applied for Amazon, like, what was the process like? And within that process, was that a problem that you were in TCS right now? Was that seen as a not that great experience? Like, what was that like? So why I got the Amazon interview was, this was pre-COVID times. So Amazon used to have these drives for SD1 in my hometown in a particular college. So there would be a drive link that would be circulated, a Google Drive link. You just fill your email ID and upload your resume, and everyone would get an invite. And as soon as you reach that place, an online assessment would take place. It's about like close to 200 to 500 people. Everyone would come because it's kind of like a walk-in. And after the first rounds, you'd be followed with three data structures rounds, two data structures and one bar raiser round. And the whole day would go in that. So if you go on at morning 8 o'clock, it would be like around night 9 o'clock, 10 o'clock by the process it ends, because a lot of people attend those interviews. Right. So that's how Amazon happened for me. I didn't apply through the portal, I'd say. And what was the interviews like? Like, they were just focused on DS Algo, or did they focus on your TCS experience, your projects? Like, what was that like? They do ask about the projects and what our works look like. And if the person also knows about the domain, then you can expect like one or two questions. Right. But the major focus is on data structures and algorithms and problem solving. Okay. So how was the experience at Amazon? Like, and how was it different from TCS? It was great, I would say. Like, you know, getting into these companies is one thing. Then, you know, meeting the bar there, that's a different play. Because you'd be working with the best. And that initial ramp up was hard for me, at least the initial 3-4 months, because everything was new to me. And the way Amazon moves and TCS moves, it's totally two different paces. And switching gears was hard for me, but initially. And then later on, you know, I stopped fearing, like, you know, new technologies and new tech stacks. And it just became like, you know, it's nothing. I just need to go through the documentation, look for what I want, implement a small project on one, and then implement it on my bigger code base. So once I got used to that, things became very smooth. But getting used to that takes time. And all the engineers at Amazon also were supportive of that, knowing my background. And, you know, they do take that into consideration and help you out. So that was my experience. Okay. And when did you sort of decide that you want to try Microsoft, or like, why did you decide, and like, how did that happen? Okay. So in Amazon, I was just an Android developer. There was not much of backend or other tech stacks which I work on. So I started looking based upon that factor. I am okay with Android, but I just wanted to at least explore other options, and I felt like I was ready for a new challenge. So that's why I started looking out from Amazon. Okay. And how was the process at Microsoft? Microsoft, I was referred. And then as soon as I referred, I got an online coding link. They have a platform called Codility. So that was the first round, like a screening round. And then after that, I had one data structures round, two low-level plus high-level design rounds, and final hiring manager round. So all of it was good. It was just more focused on design, because you grow on experience, your design skills matter as much as DSA. So that was the experience. And now, like, at Microsoft, is it also Android, or is it more on the back end? I'm yet to know. It's been 2 weeks. I'm yet to know about it. Okay.
And I don't mind even if it's just Android. It's fine, yeah. I would say. So I'm not going to ask you how's your experience at Microsoft so far. I'm sure it has been amazing. The first 2 weeks are like honeymoon period, right? Like you're and you don't have much of work to do. Everybody's trying to make sure that you're happy and you're sort of welcome. So I'm sure that's that. Yeah, that's good time true. So it's supposed to be Microsoft, which office? Like it's in Hyderabad? The like which Hyderabad one. Hyderabad one. Hyderabad, okay. Yeah. Yeah, it's a nice city. I spent like a year working in Amazon in Hyderabad when I went out of college back in 2008. Yeah, so I will it's a nice place. Mm-hmm. Perfect, great. Man. Thank you so much. This was really helpful. And I think this is going to, the idea of sort of talking to you was that we have a lot of students who sort of don't realize sometime that they need to sort of get into coding a little earlier. And eventually, like you said, they apply to all the companies and they end up at a lot of times decide to join TCS, Infosys or some other service company, which they are not super excited about. And like, but they really want to know that whether now, like, can they move to something else or not? Or is this something that they are to sort of continue? So just want to talk to you and sort of let everybody know that this is a perfect example of how somebody sort of without any programming background, like went into TCS. And then basically, I am guessing like you spent like 6-7 months learning data structural algorithms through the course, right? That will be... Yeah, definitely. Close to 10 months to get a strong hold of, you know, right. I don't freak out when I see a new question. So it took 10 months for that. I study slowly. So sure. It took like... No, that's okay. That's okay. I think like along with the job, it does take more time and taking like 8 to 10 months and then basically completely changing the path of your career, right? That's a brilliant sort of amazing 10 months that you will always remember that's the 10 months that changed the path for you. Mm-hmm. Perfect. Thank you so much. I'm sure a lot of people will get inspired by this story. And thank you so much for coming and taking out time for this. And no issues, Sandesh. It's my pleasure. So, yeah, coding this also has helped me a lot because by that point, I had tried multiple online resources. Nothing was working out. And I was waiting for your first fully English course and you let your Python course. And I believe it was the second batch and I took it ASAP. So, okay. I was looking out for that and Yeah, so I think like we do, a lot of students do complain that why do we have so many courses in Hindi? Although that being said, now we do have most of our courses in English as well. So hopefully that's not a complaint that we have to hear now. Perfect. Thank you so much. And bye-bye, man. Thanks, Ankush. Bye-bye. Hi. So I want to answer a question which almost everybody working in any sort of service-based company has in their mind: how do I move into a product-based company? Right? Either you are already working there or you have an offer and you have some time before you join. But the real dream, the real aim is that I want to go to a product-based company. So one thing that I want to tell you, that you're doing absolutely fine, right? Like, congratulations, you have an amazing job. You are working somewhere. That is absolutely great. At least you are learning something and you are moving in the right direction. And now it's absolutely fine for you to sort of think that I want to move to a different type of company where potentially I learn more, right? First of all, I would want you to do this sort of a little bit of exploration and figure out why does people want to move to product-based companies. I know you want to do it very lightly just because everybody around you is saying that product-based companies are better than service-based companies, right? So I would recommend you to do a little bit of exploration around why does moving to a product-based company is a good idea. I'm not saying it's not a good idea. It's a very good idea. Now let's quickly talk about how will you make that switch, right? How can you move, what do you need to do to get into a product-based company, right? So first of all product-based companies can be sort of divided into two type of companies: large product-based companies, large MNCs, and startups. Why I'm making this distinction is because they tend to hire a little differently. Their hiring process is a little different. The large product-based companies tend to focus on majorly on your DSA skills, your data structure algorithm skills. They do not go to the level of competitive programming. They tend to stick to the level of data structure algorithm, what you will learn as part of a data structure algorithms sort of
like what data structure you will be covering, right? Like binary trees, like hash maps, graphs, dynamic programming as well, right? Like, so these are sort of things that you will have to take care of, arrays, strings, recursion, before you sort of think of applying to product-based companies. They will focus on. But they don't tend to go into more advanced algorithms, more advanced data structures, right? Like segment trees, red black trees. These are all sort of things that they will actually tend to focus on your interviews. Unless you mention in your resume that you're really good in computer programming, then they will do. They will tend to ask you about that, right? So otherwise, they tend to focus on more on DBC. Then why do a lot of people say that do computer programming? So one reason is if you do this harder stuff, the assumption is that you will get better at the easier stuff as well, right? Which is sort of true. You get that mindset, you become better at problem solving, you are very fast at thinking of time complexity, space control, all that really does help, right? So no denying that. But if you are really good in DSA, that is what is needed. Whether you do CP to become really good in DSA or you do just practice so much in DSA that you become really good in that, that doesn't matter. As long as you're really good in DSA, that is good. Along with that, it really helps if you have some good projects. Now I'll talk about projects a little more when I talk about the second set of companies. Startups are far more open in terms of the kind of people they want to hire, irrespective of your background. The only thing that they need is you have the right skill set. And the skill set that they require, they do test you on a little bit of DSA, but they tend to focus a lot more on your development skills. So what I'm saying is, there are two parts, right? DSA and development skills. These are two things which are extremely important. Large product-based companies focus a lot more on DSA, a little bit on projects. Startups tend to focus a little bit on DSA, a lot more on your development skills, on your projects. That means we should learn both of these things. We should try to build our skill set in both of these because that will help us at both the places. So if you would ask me, if you're already working somewhere or you have a decent job already, my recommendation to you would be rather than investing months in CP, right? Like just keep that on the side, right? Like spend some time on that so that your DSA keep getting better and better, but spend a lot more time doing development. That is going to help you build those projects. That's going to help you build that skill set. That's going to open up all these companies for you where you can apply and get a good job. So start with DSA, get really good at that. Start CP a little bit and then keep spending like 5 to 10 hours a week on that, right? But majority of your time should go into development post doing DSA. That's going to help you build projects. That's going to give you that right confidence, that right skill set. That will open up maximum number of companies where you can apply. Right? So good luck for your preparation. Thank you so much. But first दिन वो startup था and I like startup. So startup में पहले दिन ही जाके पकड़ा दिया गया एक पूरा project. Like okay, experimental things JavaScript से जानते हैं. So I मतलब मैं ये कहूँगा मेरा जो ये था सबसे optimized रहता था मेरा जो code था. अच्छा जा रहे तो ठीक है बट कितनी जगह पे कितनी जगह अप्लाई किया होगा और कितने कम से कम 150 तो मिनिमम होगा ही होगा प्लस हायरिस लिंक्डइन हाय एवरीवन दिस इज अंकुश एंड वेलकम टू कोडिंग निंजास अगेन सो टुडे वी हैव आई वुड से लिटिल डिफरेंट गेस्ट विद अस सो दिस पर्सन is not a story where like he worked really hard ki college ke andar bahut sara kaam kar liya ya college ke andar programming ekdam start ho gayi ya competitive programming mein ekdam phod diya right like ye thodi si different journey hai but I think kafi zyada interesting hai in terms of finally like ye 8-9 mahine 10 mahine bahut sari mehnat karke humne ek bahut badhiya product based company nikali kafi sahi package nikala so I think it's going to be a very interesting story एंड जिन लोगों ने जो लोग अभी थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है जिनको लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा आई थिंक उनके लिए बहुत सही होगी ये टू रियलाइज कि सही टाइम पे कभी भी शुरू करोगे इट्स नेवर टू लेट जब भी शुरू करोगे उसके 8-9 महीने 10 महीने ढंग से फाइट मारोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा ठीक है सो टूडे वी हैव यिष्णु विद अस सो यिष्णु इज फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज
and he currently got a job offer from a product based company called bevkoof.com. I don't know if you guys know about it. Bahut hi sahi company hai, theek hai, and salary value bhi kafi sahi hai. So Vishnu se jante hain exactly uska kya path raha, what all he learned, kaise usne sab kuch sikha aur kya pura process tha, sab kuch janne ki koshish karte hain. Theek hai, hi Vishnu, welcome to Coding Ninjas. Hi. ठीक है, सो बिल्कुल. सो यशु, मुझे बताओ थोड़ा सा कि तुम्हारा कैसा था पूरा प्रोसेस, मतलब इन द सेंस दैट हमने 11th 12th में इंजीनियरिंग ली या जो भी हमने किया, हम कैसे कॉलेज में गए, उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था, बहुत सारी पढ़ाई की थी नहीं की थी, कॉलेज कैसा था कैसा नहीं था, थोड़ा सा बताओ मुझे इसके बारे में. बेसिकली मैं 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग में गया, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी पढ़ाई अच्छी होती नहीं है, टीयर कॉलेज में, थ्री कॉलेज में. सो बेसिकली मैं फिर मुझे एक्चुअली मेरे फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड पूरा गवर्नमेंट से है, सो आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसा है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मुझे ऐसे थर्ड ईयर में मैं एक सेमिनार अटेंड किया, सो वहाँ मुझे पता चला कि ओके देयर इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, देयर इज सर्विस बेस्ड कंपनी, उसके बाद यहाँ ऐसे काम होता है यहाँ से. तो मुझे तब डिसाइड किया कि ओके मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, सो आई डोंट नो हाउ आई विल डू. सो अब मैं ऑप्शन ढूंढना शुरू किया कि कहाँ कैसे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए. कि सो जो मैंने पहले पूछा था राइट, कि 11th 12th में लाइक कैसे स्टूडेंट थे तुम, कि बहुत बढ़िया मार्क्स आते थे, हम एकदम टॉपर टाइप्स थे, और मेमोराइजेशन मेरे से पहले से ही नहीं होता है, मुझे याद ऐसे नहीं रहता है कुछ भी. सो मार्क्स उतने नहीं आते, एवरेज डिसेंट से आते थे, और टॉपर तो मैं कभी था ही नहीं. और 11th 12th में मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था क्योंकि उसमें रट्टा नहीं मारना पड़ता. अच्छा. I like that. तो उसमें रट्टा नहीं मारना पड़ता था, तो मुझे तभी डिसाइड कर लिया था कि कंप्यूटर साइंस में कुछ करना है. सो दैट्स व्हाई मैंने ऑप्शन चूज किया कि क्या कर सकते हैं, तो इंजीनियरिंग एंड बीसीए था. बीसीए 5 ईयर्स का कोर्स एंड उसकी वैल्यू इतनी है नहीं, मतलब है ठीक है, बट मैक्सिमम कंपनी में देखते हैं बीटेक ग्रेजुएट. अच्छा. आई वाज लाइक ओके बीटेक ही करते हैं फिर. ओके, तो क्यों नहीं करनी थी बीटेक वैसे, हमें बीटेक क्यों नहीं करनी थी, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था? बीटेक का एकदम सिंपल थॉट प्रोसेस था, बिकॉज इंजीनियरिंग बहुत सारे पास होते हैं इंडिया में, कोई वैल्यू नहीं है, और बहुत सारे मीम्स आते हैं. अच्छा, बहुत सारे मीम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे लगता है तुम इंस्टाग्राम से बहुत इंस्पायर्ड हो तुम. कोडिंग निंजास को भी तुमने वही ढूंढा, तब मैं सोशल मीडिया में था, अभी नहीं करता. अच्छा, चलो ठीक है, ठीक बढ़िया. सो अच्छा ठीक है, तो हमने बेसिकली हमें क्लैरिटी नहीं थी 11th 12th में, थोड़ा बहुत कोडिंग किया हमने, बट हमें क्लैरिटी नहीं थी कि इंजीनियरिंग करें बीसीए करें क्या करें क्या नहीं करें. सो इसलिए बेसिकली हमने चलो इंजीनियरिंग ले ली, कि चलो शायद बीसीए से ज्यादा थोड़ा वैल्यू इंजीनियरिंग का है. वैसे तो आई थिंक तुम भी जानते ही हो कि कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है. कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाने के बाद स्कूल में जैसे मैं कोडिंग किया था, उससे भी खराब तरीके से कोडिंग बताने लगा, मतलब वहाँ मुझे ना लॉजिक डेवलप हुआ ना कुछ, तो मेरा कोडिंग से मन ही उठ गया. अच्छा. मैं कुछ जनरली कोडिंग मतलब नहीं करता था, मतलब बाकी सब, जैसे जब मेरा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया था, उसके बाद जितने भी कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर है उन सब में शुरू कर दिया था, तो वही मुझे एक सेमिनार मिला जहाँ बोलते जहाँ तुम्हें आइडिया लगा कि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती है. ठीक है, ठीक है. तो बताओ, हमने पहले जो 11th 12th में थोड़ा हमें अच्छा लग रहा था, वो कॉलेज ने एक्चुअली खत्म कर दिया थोड़ा सा, कि हम वो इंटरेस्ट एक्चुअली लूज हो रहा है अब. ओके, फिर थर्ड ईयर में तुम्हें पता लगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, तो तुमने सीखने की कुछ और ट्राई करी, ऑनलाइन कुछ और सीखने की ट्राई की हो, या फिर थर्ड ईयर में हमने और कैसे सीखने की? तो मैंने ऑनलाइन ऐसे ही, मुझे इंटरेस्ट होने से भी क्या ही होता है, मतलब अगर सपोर्ट ना होता
दैट इज इम्पैक्टेड. सो मैंने ऑनलाइन बहुत सारा ये ट्राई किया. सो मैं कोर्स डाउनलोड करता था या कोर्स खरीदता था, बट कभी कर वैसे नहीं होता कि हम लोग क्या करते हैं जनरली वीडियो को ओके चार पांच बार देख लेते हैं, उसके बाद बोल देते हैं रख देते हैं. तो ऐसे ही मेरा हर चीज में ML में एंड्रॉइड में मतलब हर चीज में मेरा ऐसे ही है. तो उसके बाद मैंने ट्राई किया कि ठीक है चलो एंड्रॉइड सीख लेते हैं. एंड्रॉइड का एक ऑफलाइन कोर्स किया. तो ऑफलाइन कोर्स भी जनरली उतने उन लोग भी ओवरव्यू देखे ओके ओवरव्यू हो गया चलो तुम इसका मतलब तुम जानते हो गया यू गेट ए सर्टिफिकेट बट कोई नॉलेज नहीं. तो ये जो ऑफलाइन कोर्स तुमने किया था ये तुम्हारे कॉलेज के पास ही तुमने कहीं पे किया होगा या फिर अपने होम टाउन में किया होगा? हाँ. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. सो अब हम बेसिकली फोर्थ ईयर में आए होंगे. कैंपस में कुछ कंपनीज आई, तुमने प्लेसमेंट की तैयारी करी, क्या हुआ फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में, कैसा गया हुआ? सो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में एज मैं आपको बोला कि थर्ड ईयर में मुझे पता चला कि एक प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी और मार्केटिंग कंपनी सेल्स कंपनी ये सब मुझे पता चले थे. कॉलेज में बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी फर्स्ट और सेल्स वाली कंपनी आते हैं. मुझे उसमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था तो मैं गया ही नहीं. अच्छा मैं गया ही. ओके कॉन्फिडेंस तुम्हें अच्छा है, चाहे आता नहीं था तुम्हें बट तुम गए नहीं उसके अंदर कि मैन मेरे को नहीं चाहिए सर्विस बेस्ड कंपनी. अच्छा ठीक है. फिर वही कोडिंग निंजा मिला मुझे. अच्छा वो तो आई थिंक 7th सेमेस्टर के बाद मिला ना, 8th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में. हां तब तक मैं गेट का मैसेज है कि चलो गेट कर लेते हैं. अच्छा गेट से अगर मिल गया रास्ता कुछ तो गेट में भी पढ़ना बहुत पड़ता है तो और मेमोराइजेशन मेरा पहले से ही खराब है. अच्छा तो पढ़ना नहीं था हमें. ठीक है मतलब पढ़ना नहीं था मतलब रटना नहीं था. आई थिंक तुम्हें प्रोग्रामिंग करने में फाइट नहीं है अगर ढंग से कोई सिखा रहा है और कर रहा है तो, बट हमें रटना नहीं था. अच्छा ठीक है ठीक है. तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो स्टोरी है सबकी, मतलब लाइक मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की यही स्टोरी है कि सब करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे क्योंकि एक दिन मोटिवेशन आई, कुछ करना शुरू किया, फिर वो मोटिवेशन चली गई, फिर नहीं किया हमने कंटिन्यू. ठीक है तो तुम्हें कोडिंग निंजास मिला. कोडिंग निंजास में तुमने क्या प्रोग्राम ज्वाइन किया? करियर कैंप ज्वाइन किया. अच्छा तुमने करियर कैंप ज्वाइन किया जो कि हमारा बेसिकली वो इसमें तुम्हें बेसिकली बाद में पैसे देने होते हैं वो ऐसा वाला. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. सो हमने करियर कैंप ज्वाइन किया. तो करियर कैंप हमने जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था. और तुम्हारी जॉब कब लगी? अभी जाके जब लगी मतलब लाइक 1.5 साल के बाद? नहीं इंटर्नशिप मुझे लग गई थी सितंबर में. अच्छा सितंबर में हमारी इंटर्नशिप लग गई थी. सो आई थिंक लाइक मुझे पता नहीं है कितने लोगों को पता है बट करियर कैंप के अंदर हम क्या करते हैं कि इफ वी फील कि किसी की अभी जॉब नहीं लग पा रही है और उसको हमें थोड़ा सा और तैयार करना है तो एक तरीके से हम उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी लाते हैं ताकि तुम इंटर्नशिप करो और उसमें कुछ सीखो ताकि तुम्हारे जॉब के ऑप्शंस बढ़ जाए. राइट सो हमने कहाँ इंटर्नशिप की थी? मैं पहला था जाइकून, उसके बाद रोज इंडिया. अच्छा दो जगह पे इंटर्न किया हमने. हाँ. अच्छा सही है सही है. तो कितने कितने महीने की इंटर्नशिप थी? अब क्या डिफरेंट था, अब हम कैसे सीख पा रहे थे या हमने कितनी मेहनत की, कितने घंटे लगाए? तो एंड नॉट फ्रॉम कोडिंग निंजास पर्सपेक्टिव राइट, लाइक मतलब तुमने भी तो बहुत मेहनत की होगी ना अभी 8-9 महीने. आई एम श्योर तुमने बहुत सारी मेहनत करी टू कवर अप द लास्ट 3-3.5 ईयर्स. तो अब तुम सोचो कि अगर कोई बंदा है जो कि अभी फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है और उसको अब तैयारी करनी है तो क्या करे वो, अब कैसे तैयारी करे, मतलब कैसे अच्छे से तैयारी करे? मेरे हिसाब से सिंपल, रोज एक क्वेश्चन उठाओ, उसको सोचो, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन करो. ऑफ कोर्स वो नहीं होगा, ये गारंटी है नहीं होगा. तो फिर उसके सब्स्टिट्यूट कुछ तो होगा, मतलब जो सिंपल उसका होगा तो उसको करते हैं. फिर डिफिकल्ट वाला हो जाएगा, मतलब एक दो क्वेश्चन से डिफिकल्ट वाला हो जाएगा. पर डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाना जरूरी है मेरे हिसाब से, मतलब मेरा ये पैटर्न रहता है बेसिकली. बिकॉज अगर डिफिकल्ट काम करेंगे तो सिंपल वाला होता रहेगा, उसमें 400-500 दिमाग तो लगाएंगे, मतलब कम से कम तो बहुत सारा अप्रोच लगाएंगे. होगा नहीं, एक दिन नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, कुछ तो होगा. और फिर उसमें जो पहले का अप्रोच था वो तो किसी और कोडिंग में तो काम आएगा. बेसिकली मेरा ये स्ट्रेटेजी रहता है. इंटरेस्टिंग है ये काफी स्ट्रेटेजी, मतलब बट इसमें मैं एक चीज जो मुझे डर लगता है हमेशा बच्चों से कि बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है कभी कभी, यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा. तो आई थिंक ये
कई लोगों के लिए विल वर्क रियली वेल, कई लोगों के लिए दिस कैन बी रियली डिमोटिवेटिंग एज वेल. तो थोड़ा सोच समझ के आई थिंक वी शुड चूज कि हमें ये करना है या वो करना है. बट सही है, सही है. आई थिंक दिस मेक सेंस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस. सो हमने क्या क्या सीखा इस 8-9 महीने में? कितना टाइम डेटा एक्सेस पे लगाया, कितना टाइम वेब डेवलपमेंट पे लगाया, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, थोड़ा सा ये जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा सा. सो डेटा स्ट्रक्चर का मैं 4-5 महीना आई थिंक किया था. तो उसमें सब कुछ कवर हो गया था, फ्रॉम ग्राफ सब कुछ कवर हो गया था. एंड उसके बाद वेब डेवलपमेंट नोड जेएस से शुरू किया था, नोड जेएस एंड रिएक्ट. सो उसमें प्रोजेक्ट बना लिए थे नोड जेएस में 3-4. उसके बाद एचटीएमएल सीएसएस के 2-3 प्रोजेक्ट बना लिए थे. अच्छा. और उसके बाद लास्ट में जब कैंपस ही होने लगे, 2-3 दिन में मेरा एक एक प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया. अच्छा, सही है. सही है. सो ओवरऑल तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा फिर तो वेब के अंदर, राइट? हाँ. तो तुम्हारा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था जो तुमने ये 2 इंटर्नशिप करी? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब सो मेरे कॉलेज में मतलब बेसिकली टीचर लोग भी बोलते हैं कि या तो तुम फ्री का इंटर्नशिप कर लो या तो तुम ट्रेनिंग कर लो. या ट्रेनिंग कर लो, मतलब या तो पैसे दे दो या फिर फ्री में कर लो. सो क्योंकि नहीं मिलने वाला उनको भी पता है. सो आई गॉट 10 के इंटर्नशिप इन जयपुर. दैट इज गुड एनफ. मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, एक्चुअली अच्छा था. सो क्योंकि समझ ही रहे हैं. सो वहां जाके यहाँ तो मैं HTML, CSS, JavaScript, जो भी ये नोट सब सीख चुका था. बट फर्स्ट दिन में वो स्टार्टअप था एंड आई लाइक स्टार्टअप. सो स्टार्टअप में पहले दिन जाके पढ़ा दिया गया एक पूरा प्रोजेक्ट लाइक उठ के HTML, CSS, JavaScript से जानते हैं ये क्या है. इतना सारे फाइल्स तो कभी देखे नहीं है. ओके. सो फिर उनके सीनियर्स ने बताया कि ओके देखो ये ऐसे काम करते हैं कि, तो तब पता चला ओके हमें काम कैसे करना है बेसिकली. इतने सारे हम लोग तो प्रोजेक्ट बना लेते 2-3 दिन में 4 दिन में या 6 महीने में, वो कितना ही बड़ा होता है. तो बेसिकली जितने भी एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत दिन से बनते हैं. तो उनके बहुत सारे फाइल्स होते हैं, तुम्हें सर्च करना आना चाहिए, तुम्हें एक्चुअली उस फोल्डर में है वहां से याद रखना पड़ेगा कि यहाँ आना आएगा तो कहाँ क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब होना चाहिए. तो वो मुझे पता ही नहीं था. फिर वहाँ आई गॉट ए ग्रेट मेंटर वैभव, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं. तो वहाँ मुझे मतलब पता चला कि ओके क्या होता है कंपनी. ठीक है. और फिर दूसरा इंटर्नशिप कैसा था? दूसरा इंटर्नशिप पूरा मैं अपने में था. मुझे एंगुलर सीख चुका था उधर, एंगुलर सीख चुका था, नोट सीख चुका था. तो यहाँ भी स्टार्टअप था, हम लोग 3 जन थे, तीनों फ्रेशर्स थे. अच्छा. हाँ. सो आई मतलब मैं ये कहूंगा मेरा जो ये था सबसे ऑप्टिमाइज रहता था मेरा जो कोर्स था. अच्छा. बिकॉज 3 ही जन थे तो उसमें मैं कुछ कम्पीट नहीं करूंगा. बट मैं 3 महीने में इतना सीख चुका था कि मेरा ऑप्टिमाइज ठीक था. तो उन्होंने मुझे एक नया प्रोजेक्ट बन रहा था, हर घर नल जल योजना. तो उन्होंने बोला कि तुम ही स्टार्ट करो फिर. तो मैं ही उसको स्क्रैच से बनाया. सही सही. ठीक है ठीक है. सो हमने बेसिकली ये 2 इंटर्नशिप करी एंड फिर फाइनली हमने कितने जॉब इंटरव्यूज दिए होंगे बिफोर वी गॉट द ऑफर एट बेवकूफ? सो मैंने रिजेक्ट भी किए एक दो. बिकॉज़ तुमने रिजेक्ट भी किए? सही है सही है. ओके. ठीक है. बिकॉज ऑफ सर्विस विद कंपनी. अच्छा. और ठीक है, बॉन्ड साइन था. अच्छा ठीक है. तो तब मुझे नहीं लग रहा था तभी मैंने चेक कर दिया. ठीक है ठीक है. हमने हमें क्लैरिटी दी डे 1 से कि हमें सर्विस बेस में नहीं जाना है, प्रोडक्ट बेस में जाना है. तो ठीक है. बट कितनी जगह पे, कितनी जगह अप्लाई किया होगा और कितने? कम से कम 150 तो मिनिमम होगा ही होगा, प्लस हायरिस, लिंक्डइन, इंस्टाहाइज,
जहां जो मिला मैं अप्लाई कर देता हूँ कि एक इंटरव्यू तो है क्योंकि आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इंटरव्यू और मुझे कोई इंटरव्यू का नॉलेज नहीं था पहला और मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि इंटरव्यू में ये करते हैं ये करते हैं. मॉक को इंटरव्यू दिए थे पहले बट तभी भी मतलब एक होता है तो इनिशियली के 15-16 तो मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं था. अच्छा ठीक है ठीक है ओके उसके बाद सही है यार मतलब 150 जगह पे हमें रिजेक्शन हुआ होगा बट आई थिंक दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एनीमोर. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमारी फाइनली एक वो बढ़िया जॉब लग गई जिसपे हम खुश है ना. मतलब 100 लोगों ने मना कर दिया उसे क्या फर्क पड़ता है. फाइनली हमें एक अच्छी जगह चाहिए थी वो हमें अच्छी जगह मिल गई राइट. खुश होना तुम. बिल्कुल. अच्छा चलो सही है. सो मुझे अच्छा चलो आप बताओ थोड़ा सा एक करियर कैंप के बारे में. कैसा प्रोग्राम था कैसा रहा पूरा प्रोसेस. तुम्हें क्या लगता है कि ये क्यों डिफरेंट था क्यों तुम सीख पाए यहाँ पे जो तुम पहले नहीं सीख पाए थे. तो करियर कैंप में पहला है कि टास्क बेस्ड था कि एक महीने में इतना टास्क है तुम करो वीडियो देखो लेक्चर्स देखो इतना कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट खुलेगा नहीं तो नेक्स्ट खुलेगा नहीं. तो अगर तुम एक कंप्लीट नहीं करते तो नेक्स्ट खुलेगा तो दैट इज ग्रेट. तो उसमें मोटिवेशन रहता है कि हाँ करते हैं चलो. और उसमें उसमें रहता है कि 40-20 मतलब इतना टेस्ट केसेस पास हुए इतने टेस्ट केसेस पास नहीं हुए तो उसमें लगता है कि ओके और दो निकालते हैं ना चलो ना करते हैं तो दैट इज ग्रेट. थर्ड इट इज ऑनलाइन कोर्स बट कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये ऑनलाइन है बिकॉज पूछते थे कि कोई हेल्प चाहिए तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रेगुलरली दैट इज ग्रेट. उसके बाद हैंड होल्डिंग करके मतलब जस्ट क्या है कि तुम्हें इसके बाद ये करना है इसके बाद ये करना है. आई लव यू. राइट ओके. सो वन थिंग दैट आई टेल एवरीबडी इज दैट कोडिंग निंजास में मुझे लगता है हम लोग जब डिजाइन करते हैं कोर्स तो हमारा एम ये रहता है कि तुमने डिसाइड कर लिया आप तुम हमसे सीख रहे हो अब हम चाहते हैं कि तुम बस मेहनत करो. तुम्हें क्या करना है वो हम तुम्हें बता रहे हैं. हम तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं पूरी बस तुम मेहनत करते रहो क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा. सही है बहुत ही बढ़िया यार मुझे तो बहुत मजा आया तुमसे बात करके. सो द ब्यूटी ऑफ योर स्टोरी इज दैट ऐसा नहीं है कि तुम 11, 12 में एकदम मतलब बढ़िया कर रहे थे या फर्स्ट ईयर के अंदर आके कुछ ऐसे अमेजिंग सीनियर मिल गए कि हमने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में 5-star कर दिया 6-star कर दिया और हमारे लिए सब रास्ते खुल गए. एक मतलब बहुत अजीब चीज यह है कि मैं कॉम्पिटेटिव एकदम आज तक नहीं है मतलब कोड स्टूडियो में यूज किया मतलब कोडिंग निंजा को छोड़ के मैं बहुत कम ही कोडिंग मतलब बाहर किया मतलब आफ्टर कोड. राइट वही बोल रहा हूँ ना मैं कि देखो तुम लाइक हम जब भी मैं जनरली वीडियो ऐसी रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं क्या लाइक जनरली लोगों से सुनने को मुझे मिलता है कि यार फर्स्ट ईयर में ये कर रहे थे सेकंड ईयर में वो कर रहे थे फिर यहाँ इंटर्नशिप निकाल दी फिर यहाँ पे जॉब निकाल दी राइट. बट द रियलिटी इज मोस्ट ऑफ पीपल नहीं जागते. तुम भी नहीं जागे थे. तुम भी जाके फोर्थ ईयर में 8th semester में जागे बट लाइक लेट भी जागे बट अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो 8-10 महीने में 12 महीने बाद हमें इंटर्नशिप्स मिल गई हमें जॉब मिल गई है ना. अच्छी जॉब मिल गई सैलरी वाइज बहुत बढ़िया है. तुमने मुझे 2-3 दिन पहले मैसेज किया था मतलब कि तुम्हें कितना सही लगा नहीं लगा राइट लाइक सो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मतलब एज अ टीचर देखो मैं हूँ तो टीचर ना मतलब लाइक एज अ टीचर मेरे लिए तो ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो मैं तो बहुत ही मतलब मेरा तो दिन बन जाता है बिकॉज देन अगर तुम्हें लग भी रहना कि अरे यार क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं क्यों इतना काम कर रहे हैं बट वो एक मैसेज भी आता है अगर किसी स्टूडेंट का तो यू सॉर्ट ऑफ फील कि हाँ यार इसलिए कर रहे हैं मेहनत और ये हमें लगे रहना है. सही है इशू मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे कि भाई मेहनत करते रहेंगे तो वो 100-150 रिजेक्शन भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है कि एंड में हमें एक बढ़िया जॉब निकालनी है और हम वो बढ़िया जॉब निकाल पा रहे हैं राइट. ठीक है जी थैंक यू सो मच बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस चैनल. आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे तुम्हारी जर्नी से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Hi, myself Parik here. So, at इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ प्लेसमेंट रेडी प्रोग्रामर. मतलब इस वीडियो का फोकस होगा कि तुम्हारे अगर 9-10 महीने में जॉब निकालनी है चाहे तुम फाइनल ईयर में हो
चाहे तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, वहां से शिफ्ट करना है, कुछ भी करना है एंड यू वॉन्ट टू गेट अ प्लेसमेंट इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो अमेजोन भी हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हो सकते हैं. एक कंप्लीट रोड मैप जिसको अगर तुम फॉलो करो एंड एक बेसिकली मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की हमें शुरू के 2 महीने ये करना होगा, फिर अगले 3 महीने ये करना होगा. बिल्कुल एकदम स्क्रैच से बताऊंगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता एंड अगर तुम ये 9-10 महीने तक लगातार ये चीजें कर लेते हो तो डेफिनेटली जॉब अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे और अच्छे से जॉब्स पा भी पाओगे बिकॉज तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी. सो इस वीडियो में बिल्कुल एकदम स्क्रैच से डिस्कस करूंगा, जो पार्ट तुम्हारा ऑलरेडी कवर होगा उस पार्ट को छोड़ देना, बाकी जो पार्ट रिमेनिंग होगा जिसमें तुम्हारी प्रिपरेशन में बाकी है उसको कवर अप कर लेना एंड यू विल बिकम लाइक अ प्लेसमेंट रेडी प्रोग्रामर या जॉब रेडी प्रोग्रामर. ठीक है, सो एंड तक रहना वीडियो के एंड अगर पसंद आए वीडियो, रोडमैप पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों के लिए मदद हो जाती है एंड डेफिनेटली लोग जॉब रेडी हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब बताते हैं कि मैंने आपकी ये वाली वीडियो देखी थी और मैंने वो पाथ फॉलो करा और मेरी इवेंचुअली जॉब लग गई, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं है. ठीक है, और सब्सक्राइब ना कराओ चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, इन चीजों को कर दिया करो, हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेटिंग हो जाता है एंड हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाता है. ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं एकदम स्क्रैच से कि यार अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो सबसे पहले क्या सीखना होता है प्रोग्रामिंग में, हमें यार 15-20 दिन लग के या 1 महीना लग के हमें लैंग्वेज सीखनी होती है, वो C++ हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है. अगर प्लेसमेंट रेडी होना है तो यार थोड़ा सा आई विल रिकमेंड कि अगर कुछ भी नहीं आता तो जावा वगैरह चुन लो, एक मीडियोकर पाथ होता है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती, ज्यादा आसान भी नहीं होती, C++ थोड़ी सी मुश्किल होती है, पाइथन बहुत ही आसान होती है. ठीक है, तो जावा चूज कर सकते हो, बेसिक्स ऑफ जावा सीखो या बेसिक्स ऑफ C++ सीखो, फर्क नहीं पड़ता. फंक्शंस, लूप्स, इफ एल्स, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी करनी आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने ये लॉजिक सोचा और मैं इसको कोड कर पा रहा हूं. देखो एक चीज मैं मेक श्योर करने वाला हूं तुम्हारे को, अब अगर तुमने नहीं करा है तो घंटे ज्यादा देने पड़ेंगे, राइट 7-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी मिनिमम हर डे. ऑब्वियसली कुछ लोग थोड़ा स्लो है तो उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, हो सकता है 10-12 घंटे भी काम करना पड़े. इन चीजों के लिए रेडी रहना, अगले अगर 9-10 महीने अच्छे से कर लोगे तो पता भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छी स्टेज पर पहुंच जाओगे अपने लाइफ में. तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट, अपने जो लैंग्वेज सीखनी है अगर मैं बात करो 15-20 दिन या 1 महीने तो बेसिकली 7-8 घंटे अगर डेली लगाओगे तब जाके उस स्टेज पे पहुंचोगे. ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज सीखो, इफ एल्स जैसे मैंने बताया, लूप्स, फंक्शंस, ऊप्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं लैंग्वेज के वो सब सीख लो, आई थिंक दैट विल बिल्ड योर बेस. और अगले 2-3 महीने अब पूरा फोकस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है एंड तुम्हें मेक श्योर करना है कि मैं डीएस एंड एल्गो 2-3 महीने में करूंगा. देखो एक आइडियल केस में क्या होता है, तुम 2-3 घंटे कर रहे हो तो वो 6-7 महीने में सीखते हैं लोग, बट अगर तुम अब तुम्हें जॉब चाहिए, हमें बेसिकली 9-10 महीने में जॉब रेडी बनना है तो यार हमें डीएस एंड एल्गो हमें 2-3 महीने में करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टॉपिक्स को जल्दी सीखना पड़ेगा, तो प्लीज टाइम डिवोट ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए रेडी रहना है ना. स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, पहले एरेज करना है, फिर स्ट्रिंग्स करना है, फिर लिंक्ड लिस्ट करना है, रिकर्जन करना है, ट्रीज करना है, प्रायोरिटी क्यूज करना है, और ये बेसिकली सीखना है, राइट, प्रैक्टिस करनी है एंड इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अराउंड 300-350 क्वेश्चंस करने हैं और 3 महीने मैक्सिमम में हमें करने ही करने हैं, इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते वरना बहुत टाइम निकल जाएगा. दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव, और अगर तुम्हें करनी है प्रैक्टिस तो इसके लिए तुम कोड स्टूडियो यूज कर सकते हो, वहां पर डीएस एंड एल्गो का गाइड पाथ भी है, हमारे यहाँ कोर्स भी है, वो सब तुम रेफर कर सकते हो. सीखना है कहीं से भी सीखो, बट 2-3 महीने लगा के तुम्हें डीएस एंड एल्गो बहुत अच्छा करना है, इस टाइम पे और चीजें नहीं करनी, केवल डीएस एंड एल्गो करना है. और अगर मैंने पहले भी ये रिपीट करा था, अगर तुमने लैंग्वेज ऑलरेडी सीखी हुई है, डीएस एंड एल्गो वाला पार्ट करा हुआ है, तो इस पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो, बाकी जो पार्ट बचा है उसको कर लेना एंड यू विल बिकम अ जॉब रेडी प्रोग्रामर. ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम बेसिकली फाइनल ईयर में हो या बेसिकली सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड में जाना है, कुछ भी करना है हर किसी को ये करना ही पड़ेगा, तभी जाके उसकी अच्छी एक नौकरी लगेगी और तभी जाके उसका एक अच्छे पैकेज वाली नौकरी लगेगी, अच्छी कंपनी में नौकरी लगेगी. ठीक है, तो ये पार्ट हमने कर लिया, डीएस एंड एल्गो की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, पता है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में सही से हो गए हैं. ठीक है, ये हमारा बेस बन गया है. अब क्या है, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट कुछ महीने प्रोजेक्ट पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, हमारे रिज्यूमे पे क्या मिसिंग है, प्रोजेक्ट मिसिंग है. तो आई विल हाईली रिकमेंड, देखो रिज्यूमे पे प्रोजेक्ट डालना बहुत जरूरी है, और वो वेब डेवलपमेंट में हो सकता है या ऐप डेवलपमेंट में हो सकता है या मशीन लर्निंग में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, बट अगले 3-4 महीने हमें एक स्किल सीख के उसमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा एंड टू एंड. अगर हम वेब डेवलपमेंट पकड़ते हैं तो हमारा एंड गोल है कि हमें एक वेबसाइट बनानी होगी, उसके अंदर हमें फ्रंट एंड बैक एंड समझ के अच्छे से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लगा के
उसके साथ साथ हमें वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बनाना होगा, वो बहुत जरूरी है अगले 3-4 महीने में रेडी करना। अगर ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऐप बनानी पड़ेगी एंड वी शुड मेक श्योर कि वो डिप्लॉय हो, राइट, कि वो ऐप प्ले स्टोर पर हो, वेबसाइट बनाई है तो वो डिप्लॉयड है कहीं पर, बिकॉज ये तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा और ये तुम्हें स्टैंड आउट करेगा कि हाँ मेरे रिज्यूमे पे एक प्रोजेक्ट है और उसका लिंक भी है। मशीन लर्निंग है तो पूरा एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट बनाया, गिटहब का लिंक है वो हमने उस पर रिज्यूमे पर डाला, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। बट अगले 3-4 महीने, देखो अगेन वही बात है, अगर 2-3 घंटे डेली देते तो यार 6-7 महीने ले सकते थे, बट क्योंकि अब हमें जॉब रेडी जल्दी बनना है, हमें 9-10 महीने में चाहिए जॉब, तो यार ज्यादा लेट नहीं कर सकते, 3 महीने लो। अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो फ्रंट एंड अच्छे से सीखो, HTML, CSS, JavaScript अच्छे से सीखो, फ्रेमवर्क सीखो React का, और उसके बाद बैकएंड पे सीख के एक एंड टू एंड एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, 3-4 महीने लेके अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ और दैट विल मेक यू रियली स्टैंड आउट, है ना, और उसको डिप्लॉय करो। ऐप बनानी है ऐप बनाओ, मशीन लर्निंग बनाना है मशीन लर्निंग में बनाओ, प्रोजेक्ट कहीं से कोई आइडिया पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, अगर कोई एक अच्छा आइडिया जिसमें बहुत ज्यादा लर्निंग होती है उठाओ और उसका प्रोजेक्ट बनाओ एंड टू एंड। इसमें हमें लेट नहीं करना है, हमें एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है, एक क्वालिटी प्रोजेक्ट जिसमें तुमने एंड टू एंड पूरा अच्छे से काम करा है, उसके जैसा कुछ नहीं होता, बस अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओ, एक्स फैक्टर वही है, डिप्लॉयड है, ठीक है, ये चीजें तुम्हें स्टैंड आउट करती हैं, तो प्लीज अपना प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वाइल वर्किंग ऑन द एडवांस फील्ड लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, हमें एक चीज करनी पड़ेगी और ये मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, तुम्हें 2 घंटे DSN एल्गो के उस टाइम निकालने पड़ेंगे, है ना, 6-7 घंटे तुम वेब डी वगैरह कर रहे हो, तुम 2 घंटे तुम्हें DSN एल्गो की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब तुम वो कोड स्टूडियो पे प्रैक्टिस करते हो, तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपना DSN एल्गो का फ्लो बनाए रखना, अगर 3-4 महीने फ्लो नहीं बनाओगे तो यार आगे चल के दिक्कत होगी। तो एक तो अपनी आदत में डालना पड़ेगा कि मैं ये वाली स्किल्स तो सीख रहा हूं, मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ कुछ ना कुछ DSN एल्गो की प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो मेरा मन है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना मन है, अगर बहुत ज्यादा हार्ड लगती है मत करो, बट एटलीस्ट इंटरव्यूज की तैयारी करते रहो, Amazon के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन, Google के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तुम, मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हो डिफरेंट कंपनीज के, एटलीस्ट एक फ्लो बना हुआ है, ठीक है, तुम कोड स्टूडियो पे डिफरेंट कॉन्टेस्ट दे सकते हो, तुम कोड स्टूडियो पे टेस्ट सीरीज दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा उसका, कुछ भी करो, बट ये 3-4 महीने तुम्हें DSN एल्गो का फ्लो बनाए रखना है, इसमें लेट मत करना, ठीक है। तो हमने DSN एल्गो कर लिया शुरू के, लाइक पहले एक लैंग्वेज सीखी 1 महीना, फिर हमने DSN एल्गो करा 3 महीना, फिर हमने प्रोजेक्ट पे काम करा, साथ साथ हमने DSN एल्गो का फ्लो मेंटेन करा, 8 महीने निकल गए। अब थोड़ी सी हमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी, देखो ये बहुत जरूरी हो गया आज की डेट में, इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आ जाते हैं किस किस के, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, कंप्यूटर नेटवर्क्स के और DBMS के, राइट, थोड़ा सा बेसिक सिस्टम डिजाइन आ जाता है, ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं और ये चीजें इंटरव्यूज में भी आने लग जाती हैं, और जो तुम्हारा फर्स्ट ऑनलाइन राउंड होता है उसके अंदर कोडिंग क्वेश्चन तो तुम अब कर लोगे क्योंकि तुमने DSN एल्गो की अच्छी से प्रैक्टिस कर ली है, बट MCQ क्वेश्चन आते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के आते हैं, आउटपुट के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हमें 1-1.5 महीना इसकी थोड़ी पढ़ाई करनी होगी और प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से पढ़ाई करनी है, हमें हर चीज के लिए पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, तो प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से पढ़ाई करनी है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, हमारे पास इन सारी स्किल्स के कॉरस्पॉन्डिंग गाइडेड पाथ्स हैं, कोड स्टूडियो पर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का है, DBMS का है, तुम्हारा सिस्टम डिजाइन का भी है, जो भी हमें इंटरव्यू रेडी के लिए हमें करना है वो डेफिनेटली हम वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सोच समझ के एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया हुआ है, नोट्स के साथ, MCQs के साथ और इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी हैं वो सब कुछ गिवन है। बट अगले हमें 1-1.5 महीना DSN एल्गो का फ्लो मेंटेन करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा बन गया है, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे हम 6-7 घंटे ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, इंटरव्यू टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अपने इन कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रांग कर लेंगे, हम MCQs में अच्छे हो गए, हम बेसिकली बेसिक चीजों में अच्छे हो गए, दैट विल मेक अस रियली स्टैंड आउट, बिकॉज बहुत से लोग इस चीजों को नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए हमने प्लेसमेंट के लिए जो भी हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, मैंने रिसोर्सेज भी साथ साथ बता दिए हैं, तुम उन रिसोर्सेज को रेफर करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो अब हमारा DSN एल्गो भी अच्छा हो गया है, हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा हो गया है, हमारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी अच्छे हो गए हैं, कुछ 1-2 मिसलेनियस चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा जो थोड़ी सी अलग से हटके हो सकती है, बट ये चीजों पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो एक कंप्लीट जॉब रेडी प्रोग्रामर हो जाओगे। मिसलेनियस क्या है? एप्टीट्यूड, राइट, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कुछ कंपनीज में फर्स्ट राउंड में आएंगे तो उसकी वजह से रिजेक्ट होना बहुत बुरा लग सकता है, तो थोड़ी एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर लो, अगेन हमारे पास एप्टीट्यूड का भी गाइडेड पाथ है,
कोड स्टूडियो पर ही, वो जाके तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, फ्लो मेंटेन करो, एप्टीट्यूड तुम्हारा डन होगा। मिसलेनियस चीजें हैं इंटरव्यू पजल्स, तो कुछ इंटरव्यूज में यार स्टैंडर्ड पजल्स पूछ ली जाती हैं, तो वो अगर थोड़ी सी हमने उसका फ्लो बनाया हुआ होता ना, तो हमें सोचना थोड़ा थॉट प्रोसेस आ जाता है, क्योंकि वो ट्रिकी होती है। तो तुमने वो पजल्स कभी करी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तुम स्ट्रगल कर सकते हो। तो कुछ 100 इंटरव्यू पजल्स पढ़ लो, है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वहां से तुम पढ़ सकते हो, बट थोड़ा सा इंटरव्यू पजल्स अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ना माइंड फ्रेम हो जाता है, अच्छा ये भी एक तरीका होता है एंड ये ट्रिक्स होती है टू सॉल्व इंटरव्यू पजल्स, राइट। ये दो चीजें मिसलिनियस में हो गई, एप्टीट्यूड और क्या नाम है इंटरव्यू पजल्स। तीसरी चीज एक मैं बोलूंगा जॉब रेडी में होने से पहले, यार थोड़े से ना अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लो। हम सब चीजें प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, हम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, बट जब बताने पर आते हैं ना हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर हम थोड़े से मॉक इंटरव्यूज दे सके, इधर से उधर हम बात कर सके, हम एक प्रोफेशनल होके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके, 5-6 मॉक इंटरव्यूज करवा सके, और हो सकते हैं तुम्हारे अगर लिंक्स हो, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स काम करते हो कंपनीज में, उनके थ्रू मॉक इंटरव्यूज करो, चाहे उन्हें पे कर दो, कुछ ना कुछ कर दो कि बट उनसे एक मॉक इंटरव्यू करा लो, बिकॉज जो उनसे फीडबैक मिलेगा, और जब तुम इवेंचुअली कंपनी में जाने वाले हो इंटरव्यू देने के लिए, वो तुम्हें बहुत ज्यादा गैप दिखेगा कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, कहाँ कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी वंस यू गिव दैट मॉक इंटरव्यू। तो ये छोटी छोटी 3 चीजें हैं, मिसलेनियस है, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा की हेल्प करेंगी, बट एक तरीका होता है कि मैंने कंप्लीटली कर लिया, कोई रिग्रेट नहीं है उसके बाद, तो ये 3 चीजों के बाद वो भी खत्म हो जाता है। एंड ये इफेक्टिवली अगले 2 महीने जो मैंने बोला, 8 महीने तक तो हमने DSNL को प्रोजेक्ट और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे काम कर लिया था बेसिकली। ये थोड़ा सा है, अगर तुम्हें 1-2 महीना और लगाना है इन चीजों पे वर्क करो, DSNL का फ्लो मेंटेन करो, एंड यू विल बिकम अ जॉब रेडी प्रोग्रामर। ये सारी चीजें तुम्हारी कवर हो गई हैं, वंस दिस इज डन तुम्हारा रिज्यूमे एकदम बढ़िया तरीके से रेडी है, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए एक प्लेसमेंट रेडी होने के लिए। एंड वंस दिस इज डन, अब तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम फुल टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां अप्लाई करना है वहां अप्लाई करो, राइट। कैसे अप्लाई करना होता है वो मैंने ऑफ कैंपस की वीडियो में एक बनाया हुआ है, प्लीज उसको मिल जाएगा तुम्हें, कोडिंग निंजास ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रोड मैप, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे जॉब लग सकती है। अब तुम्हें जो मेन मेहनत वाला काम था वो तुम कर चुके हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हो, तुम्हें अब बस अप्लाई करना है, लिंक्डइन का यूज करो, इधर उधर हाथ पांव मारो, यू हैव ऑल द स्किल्स टू बिकम प्लेसमेंट रेडी प्रोग्रामर, सब कुछ कर लिया है, बस अब कर लेना अप्लाई करना, ऑन कैंपस आती है तो ऑन कैंपस निकालो, नहीं आती तो हाथ पांव मारो, एंड यू विल लैंड इनटू ग्रेट कंपनीज, बिकॉज तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है, तुमने पिछले 9-10 महीने लग के तैयारी करी है, एंड नाउ यू डिजर्व अ हाई क्वालिटी जॉब, अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जहां पर तुम जाके अच्छे से काम कर पाओगे और बहुत अच्छी चीजें सीख पाओगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने एक चीज बता दी है इस वीडियो में, पूरा रोड मैप बता दिया है, टू शिफ्ट फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, टू शिफ्ट टू क्रैक अ कंपनी इन द फाइनल ईयर, सब कुछ कर सकते हो एक ही वीडियो में, सब कुछ है, सबको स्टैंडर्ड तरीके से ये 9-10 महीने करने होंगे। जिसने थोड़ा थोड़ा महीने वाला पार्ट करा हुआ है वो वाला पार्ट स्किप कर सकता है, आगे वाला पार्ट कर ले, एंड यू विल लर्न इन टू ग्रेट जॉब्स, ओके। तो इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ भी अगर मुझसे मिस हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं नहीं तो बेसिकली बाकी लोगों के लिए हेल्प हो जाता है, जो कि उन लोगों के लिए वैल्यूबल हो सकता है। और अगर पसंद आई वीडियो तो यार अगेन लाइक एंड शेयर कर देना, मिस मत करना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, और दिस रियली हेल्प्स अस, और ऐसी वीडियोस और आती रहती हैं हमारे चैनल पे, और वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, एंड अच्छे से बस पढ़ाई करो, अच्छे से जॉब पाओ, और हमें बताओ जब तुम्हारी जॉब लग जाए, ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, लेट मी क्विकली चेक इफ द ऑडियो एंड द वीडियो बोथ आर क्लियर, और आप लोग भी मुझे बता देना। हेलो क्यूब लवर, यस वी आर लाइव एंड बोथ ऑडियो एंड वीडियो आर फाइन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स, लेट अदर्स जॉइन, देन वी विल स्टार्ट।
हेलो दिबाश, हाय अनुराग, हाय आदर्श, ओके ग्रेट, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो सभी लोग, और जो आता जा रहा है वीडियो को लाइक भी करते जाओ और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी लिंक्स शेयर करते जाओ, देन वी विल स्टार्ट वेरी सून। हाय गौरव, हेलो समृद्धि, हेलो मानसी, हेलो गोपाल, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय लिंक्डइन रिक्वेस्ट, नो प्रॉब्लम द बैकएंड कोडर। हाय दानिश, आई होप एवरीवन हैड ग्रेट सैटरडे। यस, अ वेरी गुड आफ्टरनून, यहां पर तो इवनिंग हो गई है। यस, आई विल स्टार्ट पिकिंग अप क्वेश्चंस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन, बस थोड़ी देर और रुक जाते हैं। हाय फराज भैया, योर वीडियोज आर रियली हेल्पफुल, थैंक्स अ लॉट रोहन। हाय जय प्रकाश कुमार, हेलो, हाउ टू गेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टू अ टियर थ्री कॉलेज। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग टिल 9:05 फॉर अदर्स टू ज्वाइन, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। एंड हमारा Q&A सेशन भी होगा लास्ट में, वी विल हैव अ डिस्कशन Q&A सेशन, एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस वन बाय वन, सभी क्वेश्चंस को आई विल पिक, एंड देन वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन होगा। अभी स्टार्टिंग में वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट हाउ टू गेट प्लेस्ड इन द प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच 12th मार्क्स इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट। There are few companies, there are very few product-based companies जो आपको marks के basis पे reject करती हैं, but very few. Most of the companies do not care about your intermediate यानी 12th के marks और 10th के marks, but yeah, they do care about your CGPA जो अभी है आपका. How to switch from a service-based to a product-based? Nice question. Very frequently asked question, and बहुत लोगों की ये requirement भी रहती है. That also you will answer. कई सारे freshers होंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे preparation start करनी चाहिए, that also you will answer. ठीक है? Sir, क्या DSA में project? Yes, yes, DSA में project किया जा सकता है. And I will tell you how to do project in DSA. भैया आपकी मैंने cheat sheet, वो चीट शीट नहीं है, वो डीएसए शीट है, सॉल्व करनी शुरू कर दी है, दैट इज नॉट अ चीट शीट, उससे कुछ चीटिंग नहीं हो रही है, उससे बेसिकली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। यस, आई हैव सॉल्व 10 क्वेश्चंस, ओहो 10 क्वेश्चंस पर डे, इफ यू कैन मेंटेन दैट स्ट्रीक देन इट इज रियली गुड। 10 क्वेश्चन एक दिन में करना, इसकी स्ट्रीक अगर मेंटेन कर ली आपने तो भाई साहब आप पता नहीं क्या ही कर दोगे, मतलब कौन सी कंपनी निकाल दोगे आप, गूगल फेसबुक सब निकाल दोगे, क्या मेंटेन कर पाओगे? दैट इज द पॉइंट, कंसिस्टेंसी जिसने मेंटेन कर ली वो तो प्लेसमेंट निकाल ही लेगा, कोई मुश्किल तो है नहीं यहां पर। इट इज नॉट अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन ओवर हियर, द ओनली कॉम्पिटिशन इज इफ योर इज ऑफ योर प्रिपरेशन, किसने किस तरीके से प्रिपेयर किया है उसी का सारा कॉम्पिटिशन है। तो 9:05 हो चुके हैं, लेट अस क्विकली स्टार्ट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, यस इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हु एम आई। सो माई नेम इज फराज, एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल बाय द नेम लीड कोडिंग। ओके, लीड कोडिंग बाय फराज, आप इसे कई सारे लोगों को पता भी होगा। वेयर आई अपलोड कंटेंट रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीटीसी ब्रेकडाउन, एंड स्टफ रिलेटेड टू इंटरव्यूज ओनली। ओके, एंड आई ऑल्सो टीच डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। नाउ इन दिस सेशन
we will be having a discussion about how to get placed in the product-based companies. There are service-based companies and then there are product-based companies. ठीक है? Service-based companies में the CTC is a bit on the lower side. थोड़ा सा कम होता है. Okay? Product-based companies में भाई आपका CTC कह लो या package कह लो, वो काफी ज्यादा होता है and थोड़ा सा काम होता है वो थोड़ा सा challenging होता है जिसको करने में मजा भी आता है. Okay? So, most of the people, they want to join product-based companies because of the work environment, because of the new challenges, because of the CTC, salary, and a lot of other things. ठीक है? But यहाँ पर competition जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. Why? Because there are lots and lots of colleges and lots of students who are actually preparing for these companies. Okay? And out of them, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं थोड़ा सा time निकाल के अपना. So I'm going to give you some really good advices जो मैं चाहता हूँ कि मुझे दी जाती when I was preparing. So I would be giving you those advices and I hope आप लोग उनको follow करें. Follow करना at the end आपका ही काम है. So let us start with a very basic thing that is data structures and algorithm. सबसे पहले तो आपको DSA ही करना है. Okay? बिना DSA के चाहे कैंपस राउंड्स हो चाहे ऑफ कैंपस राउंड्स हो, बिना DSA के प्लेसमेंट होना बहुत ही मुश्किल है. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग कर लेंगे, ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू गेट प्लेस इन वेरी गुड कंपनीज, बट जो रूट है ना, दैट रूट इज स्लाइटली डिफरेंट. वो थोड़ा सा डिफरेंट रूट है जो सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे ही प्लेसमेंट लेना चाहते हैं उनका, थोड़ा सा डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट रूट है. जहां पर कम लोग जाते हैं, जहां पर कम कंपनीज आती हैं, क्योंकि लोग ही कम है उस वाली जगह पे, कंपनीज ही ज्यादा ओपन नहीं होती हैं. सो दे वांट यू टू बी गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड फ्यू कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, थोड़े से कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ज्यादा सा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और हो सके तो प्रोजेक्ट. दिस इज द रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो शुरुआत आप लोगों को कहां से करनी है? शुरुआत आप लोगों को करनी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से. ध्यान रखना सिर्फ एक सीखो स्टार्टिंग में, सिर्फ एक. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से कर ली हो या फिर पहले से स्कूल से ही आती हो, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं. सो द फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज. अब यहां पर मेनली आपके पास तीन ऑप्शंस रहते हैं. सबसे पहला ऑप्शन आपके पास रहता है C++ का, दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है जावा का, तीसरा ऑप्शन आपके पास रहता है पाइथन का. जिसमें से ये जो है ये आपकी थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज है और ये बहुत फास्ट होती है कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में, ये बहुत फास्ट होती है, जावा से तो बहुत ज्यादा फास्ट है ये. ठीक है, तो जिसका मन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करने का है वो C++ कर लें, या फिर जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं करी है दे कैन स्टार्ट विद C++, वो C++ से स्टार्ट कर सकते हैं. मेरा रिकमेंडेशन रहता है C++ करने का बिकॉज कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज हो जाती है एंड इसमें जो भी आप लोग सीखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन C++ जो भी आप लोग सीखते हैं, एक बार अगर आपने वो सारी चीजें सीख ली तो बाकी लैंग्वेजेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं. मतलब C++ से किसी भी लैंग्वेज पे जाना ईजी है और कहीं और से C++ पे आना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है. ओके, चलो तो इन तीनों में से आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का थोड़ा बहुत पहले से ही हिंट है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने कोड कर रखा है अपनी तरफ से या स्कूल टाइम में या कहीं भी, सो गो विद दैट लैंग्वेज. ओके, गो विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. ठीक है, नाउ आफ्टर लर्निंग अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीखने के बाद What you should do? Should you practice that language? कि आपको उस language में और questions practice करने चाहिए या फिर DSA पे move कर जाना चाहिए? तो यार आप लोग क्या करो, आप लोग को ये जो language आपने सीखी है इसको practice करने के लिए ही DSA के question solve करो. Do not think कि यार हम पहले language को अलग से practice करें then DSA पे जाके DSA को अलग से practice करें, उसके लिए अलग से time निकाल लें, तो वो थोड़ा सा ना time भी waste होगा वहां पर, इतना ज्यादा practical approach नहीं है वो.
सो वॉट यू शुड बी डूइंग इज लर्न अ लैंग्वेज. जब पूरा उस लैंग्वेज का एडिटोरियल ट्यूटोरियल या जो भी है आप लोग देख लोगे, देखने के बाद आप लोगों को जब कोड करना आ गया, बिना देखे कोड करना आ गया, उसके बाद व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग इजी प्रॉब्लम्स. इजी इजी प्रॉब्लम्स आप लोगों को स्टार्ट कर देने चाहिए सॉल्व करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद, जिससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है, और फिर आपका डीएसए भी शुरू हो जाएगा यहां से ही, यहीं से आपका डीएसए शुरू हो जाएगा. ओके चलो, तो लेट मी क्विकली सी किसी ये कुछ क्वेरीज वगैरह हैं क्या. एसटीएल हाँ, सब वीडियोस बनाएंगे, पढ़ाते तो हम रहते ही हैं. जावा इज गुड एज फार एज एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड, ठीक है. किसी को अगर आगे जाके डेवलपमेंट करनी है, दे विल बी एबल टू लर्न जावा इफ दे नो सी प्लस प्लस. ऐसा कुछ नहीं है कि यार एक लैंग्वेज आ गई तो उसे वही आती है आपको. मैंने अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने स्टार्ट किया था सी प्लस प्लस से, ठीक है, सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया था. जब मैंने डेवलपमेंट करी मेरे को जावा की जरूरत पड़ी, तब मैंने जावा सीख लिया, नॉट अ बिग इशू देयर, ठीक है, कोई इतना मेजर इशू नहीं है. ऑल राइट, तो यार अब ना यहां पर जो आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं वो कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मतलब इट माइट बी कि आप लोगों को तो कोई क्लू होगा ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, राइट, हाउ टू फिगर इट आउट, इजी क्वेश्चंस आप कैसे करें. तो आई क्रिएटेड अ सिंप्लीफाइड डीएसए शीट, बहुत ही एक सिंपल सी डीएसए शीट बना रखी है मैंने, 50 क्वेश्चंस हैं उसमें. वो 50 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल वाले, इजी वाले 50 क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से, ठीक है, कुछ एरेज से हैं, कुछ सर्च से हैं, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स से हैं जो 2D एरे होता है. तो ये सब तो आपको लैंग्वेज में सिखाई दिया जाएगा कि 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है. उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन सॉल्व माई बिगनर्स डीएसए शीट. ओके, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बिगनर्स डीएसए शीट के नाम से मैंने डाल दिया. सो यू कैन डू दोस क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन आपके कोर्स स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कोर्स स्टूडियो प्लेटफॉर्म से उठाए हुए हैं और वहां पर आपके ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है. अभी जब ये 50 क्वेश्चंस कर लेंगे, इसको करने में आपको टाइम भी लग सकता है. व्हाई? बिकॉज मान लो कुछ नया सामने आ गया और आप अटक गए वहां पर, स्टक हो गए. ओके, लेट मी क्विकली गो टू कोर्स स्टूडियो, एक सेकेंड, कोर्स स्टूडियो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जांपल कि आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. तो लेट्स से इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं. हाँ, अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन करते करते आप अटक जाते हैं मान लो, देन व्हाट यू कैन डू इज, अगर यहाँ पर हिंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, यू कैन सी द हिंट्स, एग्जांपल देख लो पहले, एग्जांपल से समझ में नहीं आता, बिल्कुल ही आप ब्लॉकेज आपकी हो गई है, देन यू कैन गो टू द सॉल्यूशंस. ओके, सॉल्यूशंस पे जा सकते हैं एंड आप सॉल्यूशंस रीड कर सकते हैं. व्हाई आई एम सजेस्टिंग इट, बिकॉज यू आर वेरी न्यू, आप लोगों ने अभी अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है और आप लोग अटकेंगे, यू विल गेट स्टक, आई एम प्रीटी श्योर. शुरुआत में इजी से इजी क्वेश्चन में भी हम लोग स्टक हो जाते हैं, सिंटेक्स कभी कभी समझ में नहीं आता. सिंटेक्स मतलब बेसिकली ये जो ग्रामर है ना, यहाँ पर बूल क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, कभी कभी ये समझ में नहीं आता है ना. तो स्टार्टिंग में वी विल गेट स्टक, देन आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ने के बाद फिर ट्राई करना है कोड करने का सॉल्यूशन पढ़ के. फिर भी नहीं होता फिर तो आपके पास यहाँ पर कोड है ही अवेलेबल. अगर आप जावा में करते हो तो जावा में कोड देख लो क्या है, पाइथन में करते हो तो पाइथन में कोड देख लो क्या है, ठीक है. सो दिस शुड बी योर अप्रोच. तो मैंने वो बिगनर्स डीएसए शीट बनाई हुई है विच यू कैन सॉल्व. ठीक है, आप लोग इनफ टाइम ले लो इसको सॉल्व करने के लिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करो. और ऐसा नहीं है कि एक बार सॉल्व कर दिया फिर आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को देखना ही नहीं पड़ेगा, आप लोगों को वो क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा उसको, यू विल हैव टू रीडू दोस क्वेश्चंस.
ओके प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस करते रहना। जब तक आप खुद से ना लिख पाओ, जब तक उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, बार बार उनको रिवाइज करते रहना और उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप में चीजें बता रहा हूं, पहले ये नोट डाउन करो, पहले ये सारी चीजें आप लोग देख लो, उसके बाद आपको जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह यहां पर आ रही हैं सबको पिक कर लेंगे एक एक करके। लास्ट का आधे घंटे में मेरे को यही करना है कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, सबको पिक कर लूंगा मैं, ठीक है। लिंक ऑफ द शीट, जो शीट है उसकी लिंक, उसकी यार आप ना मेरे चैनल पे चले जाओ, लीड कोडिंग चैनल पे चले जाओ, वहां पर जाके आपको मिल जाएगी वो शीट, या फिर आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लो बिगनर्स डीएसए शीट करके। बिगनर्स डीएसए शीट करके सर्च कर लो, आपको मोस्ट प्रोबेबली बिगनर्स डीएसए शीट, हियर इट इज, हियर इट इज, दिस इज द शीट। टॉप 50 इजी प्रॉब्लम्स हैं टू स्टार्ट विथ। बेसिकली आपको एक बहुत अच्छा यहां से लॉन्च मिल जाएगा, ओके। इस शीट में मैंने सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, उनकी लिंक्स भी यहां पर अवेलेबल हैं, और शीट की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिगनर्स डीएसए शीट। ये सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ओके, एंड यहां से आप लोग जाके सीधा प्रॉब्लम पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी इजी प्रॉब्लम्स हैं, और जस्ट इन केस अगर आप अटक जाते हैं देन सॉल्यूशंस को आप रेफर कर सकते हैं, यू कैन रेफर दी सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके, ऑलराइट। नाउ बैक टू इट, यहां पर आपके अबाउट 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उनको रिवाइज कर करके बार बार, ठीक है। इसको टाइम दे दो, अच्छा खासा टाइम दे दो, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद इट। अच्छा, जिनको जिनको पहले से आती है लैंग्वेज, जिनको थोड़ा बहुत डीएसए आता है, वो जल्दी से इसको खत्म कर देना, वो टाइम मत लगाना इस पे, ठीक है, ओके। अब आप लोगों का एक अच्छा फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ना आपका बीच में कुछ नया वर्ड आ जाएगा। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम के प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाई, आपने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में वो लोग बात कर रहे हैं मैप की, आपको तो पता ही नहीं है कि मैप क्या होते हैं, करेक्ट, यू डोंट नो व्हाट मैप्स आर, आप लोगों ने कभी यूज नहीं करे मैप, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। सो पीपल टेक टू डिसीजन हियर, दोज हु आर स्टिकिंग टू देयर सीबीएसई करिकुलम स्टिल, दे विल थिंक दैट मेरे को तो आता ही नहीं है, तो मेरे से क्वेश्चन होगा ही नहीं, मतलब मेरे अंदर नॉलेज ही नहीं है इतनी, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है मैप, दे विल लीव इट एंड दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम, वो डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। ये आपकी कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, ये लोग ये कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। अभी आप लोग जो बचे हुए हैं, जो लोग इसके बारे में सर्च करेंगे कि मैप क्या होता है, गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि गूगल है, इंटरनेट सबके पास है, तो गूगल करेंगे कि व्हाट आर मैप्स, व्हाट आर मैप्स इन सी प्लस प्लस, व्हाट आर हैश मैप इन जावा, ये सब सर्च करेंगे गूगल पे। जब आप सर्च करेंगे तो आपको इसके आर्टिकल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे और एडिटोरियल्स मिलेंगे और यूट्यूब पे वीडियोज मिलेंगी, आप उनको देखेंगे, एक दो घंटे में समझ में नहीं आता, 3-4 घंटे लगाएंगे उस पे, पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। Then you will come back again to that same very problem. Okay? आप लोग दोबारा से सेम प्रॉब्लम पे आएंगे और उस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया कि what are maps. मेरे सामने, मैं अपना बताऊं, जब मेरे सामने मैप आया था तो I was pretty confused कि मैप होते क्या हैं। फिर मैंने सर्च किया इनके बारे में, मैंने उसके बारे में पढ़ा कि मैप क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, किस किस तरीके से बना सकते हैं, और फिर उसके बाद मैप पढ़ते पढ़ते एक और चीज सामने आ गई जो थी पेयर। अब मेरे को पेयर भी नहीं पता था क्या होते हैं, तो मैंने कहा यार मैं तो मैप पढ़ने के लिए आया था, मेरे को एक और चीज पढ़नी पड़ रही है पेयर, बट आई स्टडीड व्हाट पेयर्स आर, मैंने देखा कि क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। देन जब पेयर समझ में आ गया, दोबारा से मैप पे आ गया, दोबारा मैप पढ़ने लग गया कि मैप क्या होते हैं, तो पेयर क्लियर हो गया तो मैप क्या होते हैं, फिर जब मैप क्लियर हो गया तो दोबारा से क्वेश्चन पे आ गया। तो इस तरीके से अप्रोच हम लोगों को लगानी होती है पढ़ने की, ओके।
ठीक है. सो यू डोंट हैव टू गिव अप वेन एवर देर इज अ न्यू वर्ड, वेन एवर देर इज अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर या फिर न्यू एल्गोरिथम विच इज बींग यूज, यू हैव टू लर्न अबाउट इट, कम बैक टू द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को चलना है. ठीक है, चलो. फिर देर इज अनदर शीट विच यू हैव टू डू विच इज द कंप्लीट डीएसए शीट, वो आप लोगों को करनी है. ठीक है, यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगी कंप्लीट डीएसए शीट. ये रही 250 क्वेश्चंस की डीएसए शीट है, इज द कंप्लीट डीएसए शीट, और इसको करने के इंस्ट्रक्शंस यहां पर गिवेन है और इस शीट की लिंक यहां पर गिवेन है. ठीक है, ये वाली शीट लगा लेना, बढ़िया है एकदम. सारे क्वेश्चंस इसमें वो हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन पता होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद आप जो भी करो, जितना करो एक्स्ट्रा करो, बट ये आपका मस्ट है. दिस यू शुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस शीट. ठीक है, और कोड स्टूडियो पे भी आप लोग ये शीट सॉल्व कर सकते हैं. इफ यू गो टू कोड स्टूडियो, यू कैन सी यहां पर मोहम्मद फराज डीएसए शीट है, तो इस पे जाके यू कैन सॉल्व दिस शीट फ्रॉम हियर ऑल्सो. यहां से आप लोग वीडियो से आप लोग इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेना कैसे शीट को फॉलो करना है, और यहां पर कोड स्टूडियो पे आके आप इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है, डीएसए शीट को सॉल्व कर लेना आप लोग. ओके, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है तो, बिकॉज आप लोगों को बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के नाम नहीं पता होंगे, वो आपको सीखने पड़ेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, सीखना पड़ेंगी चीजें और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, तो देखो इतना तो है जो जरूरी है. ओके, अभी हमारी जो नेसेसिटी है वो हो गई है. अब नेसेसिटी के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना होता है टू मेक श्योर कि हमारी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो ही जाए, है ना. तो उसके लिए आप लोगों को करने हैं कॉन्टेस्ट करने हैं. कॉन्टेस्ट कब करना शुरू करना है, वेन शुड यू स्टार्ट डूइंग कॉन्टेस्ट? You should start doing contest after completing that 50 question वाली beginners DSA sheet. जब आप लोग इससे comfortable हैं, तब आप लोगों को contest देना start कर देना है. ठीक है, और जो लोग already data structure and algorithm जानते हैं, they can directly start doing contest. हफ्ते में एक बार या दो बार contest होते हैं. अब contest कहाँ पर करने हैं, वैसे तो बहुत सारी website हैं जो कि contest conduct कराती हैं, but दो अच्छी website, एक तो LeetCode और एक कोड स्टूडियो. कोड स्टूडियो पे आपका बिगनर फ्रेंडली कंटेंट काफी ज्यादा है. ओके, लीड कोड इज जनरली दिस इज फॉर एवरीवन, यहां पर कुछ ऐसा नहीं होता बिगनर या एडवांस, बट कोड स्टूडियो पे आपके बिगनर्स के भी कॉन्टेस्ट होते हैं, जो कि नए हैं उनके भी कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं. सो यू कैन सी कोड स्टूडियो और लीड कोड, यहां से आप लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लो. हफ्ते में एक बार कॉन्टेस्ट होता है या दो बार होता है. अब बात रही कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग की. कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग के लिए देर आर टू प्लेटफॉर्म्स, दो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं. एक तो आपका हो गया कोड फोर्सेस और एक हो गया आपका कोड शेफ. कोड फोर्सेस, कोड शेफ दोनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म है, बट दोनों से अच्छा यह है कि आप इस पे ही टाइम लगा लो, बिकॉज इसमें शॉर्ट कॉन्टेस्ट होते हैं और इसमें आपके लॉन्ग कॉन्टेस्ट भी होते हैं, कुछ कम लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट भी होते हैं. तो और इस पे सारे के सारे शॉर्ट होते हैं कोड फोर्सेस पे, तो इसलिए मेरे को कोड फोर्सेस ज्यादा सही लगता है. बाकी लर्निंग के हिसाब से कोड शेफ भी बहुत अच्छा है, कोड फोर्सेस भी अच्छा है, लेकिन इनमें से एक चूज कर लो आप. इन दोनों में से एक चूज कर लो अपने हिसाब से और इनमें से एक चूज कर लो कॉन्टेस्ट के लिए. ठीक है, अब ये जो चीज है ना कॉन्टेस्ट देना, कॉन्टेस्ट देने से आपकी दो चीजें डेवलप होती हैं. एक तो ये कि हर कंपनी आजकल ऑनलाइन राउंड ले रही है. हर कंपनी आजकल फर्स्ट राउंड जो होता है वो ऑनलाइन राउंड होता है, इसमें कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं. ज्यादातर इन्हीं में से किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराए जाते हैं, हैकर रैंक, हैकर अर्थ,
किसी टाइप के किसी प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराए जाते हैं, और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना वो भी लगभग इतना ही होता है जो कि आपके यहाँ पर लीड कोड पे है और कोड फोर्सेस के ए बी सी तक. ओके, कोड फोर्सेस के ए बी सी तक. बहुत ज्यादा लेवल भी नहीं होता अंटिल द कंपनी इज कोऑर्डिनेशन, जो कि अब ट्रैवलॉजी का नाम हो गया उसका कोऑर्डिनेशन. ये बहुत ही अच्छे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछती है. देन यू हैव जीटा, जीटा भी बहुत अच्छे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछती है. देन यू हैव ऊबर, देन यू हैव गूगल. तो ये सारी कंपनीज हैं थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन पूछती हैं, बट इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग ना तो आपको ये भी ईजी लगने लगेंगे. इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग, अगर आप लोग इसके कोड फोर्सेज के ए बी सी और डी प्रॉब्लम तक सॉल्व कर पाते हैं तब तो आपको ईजी लगेंगे क्वेश्चन, आपको ज्यादा टफ नहीं लगेंगे वो. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस. It doesn't depend upon your JE marks or 12th marks or 10th marks. It depends upon your practice. बहुत ही easy है, but यह है कि time मांगता है ये. ठीक है, time की investment है इसमें. तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास enough time है, then you can do good at these platforms as well. आपको बहुत tough लग रहे हैं अगर starting में, तो इनसे start कर दो. ठीक है. ठीक है ना, आई होप आप लोगों को स्ट्रीम में मजा आ रहा होगा सभी लोगों को. इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को. जिन्होंने लाइक नहीं किया क्विकली जल्दी से लाइक कर दो, और मेरे को जरा चैट में बताओ कि मजा आ रहा है आप लोगों को. बताइए क्विकली, लेट मी नो, तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सर शीट में ट्री ग्राफ के बेसिक क्वेश्चन नहीं है. तो यार वो बेसिकली जो शीट है ना मेरी, वो शीट बिगनर्स के लिए है, बिगनर्स डीएसए शीट है. तो बिगनर्स क्या करेगा ट्री ग्राफ का, वो तो बेचारा अभी अभी आया, उसको मैंने ट्री ग्राफ अगर करने के लिए बोल दिया तो भाग जाएगा कोडिंग छोड़ के. मजा आ रहा है, मेरा डाउट देख लो. मैं डाउट देख लूंगा सभी के, मैं देखूंगा लास्ट के 30 मिनट्स में सबके डाउट्स क्लियर करते चलूंगा. हाँ तो जुलाई से कैंपस प्लेसमेंट, कोई बात नहीं, हो जाएगा सिलेबस. भाई आई एम नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन डीएसए. इंटरेस्ट जब आता है जब प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है. एक बार ट्राई तो करो, अच्छे से लर्न तो करो. एक बार सीखोगे, अच्छे से लर्न करोगे तो बहुत तगड़ा इंटरेस्ट आएगा. प्लीज टेल स्टूडेंट दैट एप्टी इज इंपॉर्टेंट. एप्टीट्यूड, हाँ एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट राउंड में पूछा जाता है. बट एप्टीट्यूड इज नॉट समथिंग जिसकी तैयारी आप 3-4 महीने पहले से करोगे. उसकी तैयारी आप ऐसी 10-15 दिन पहले से करोगे और बहुत है. ठीक है, आई हैड नॉट गेट शीट. ढूंढ लो यार, इतना तो सर्च कर ही सकते हो. डीएसए शीट बाई फराज सर्च कर लो, मिल जाएगा. सभी लोगों ने लाइक कर दी वीडियो. यस, ग्रेट, ओके. तो अभी आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे क्या क्या और चाहिए. अभी तो हम लोग डीएसए की ही बात कर रहे थे. ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डीएसए की तैयारी. ओके, और क्या चाहिए होता है डीएसए? बस यही चाहिए होता है जो कि मैंने आपको बता दिया. एक और चीज ये है कि नेवर हेजिटेट फ्रॉम रिविजन्स. अब यहां पर देखो क्या होता है कि यार जो भी हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको रिवाइज भी करते हैं बिफोर. ओके, मैंने शेयर करी एक स्क्रीन. यस, बिफोर वी आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम हम लोग उसको रिवाइज भी करते हैं. बट आई डोंट नो व्हाई कि कोडिंग में लोग ऐसा नहीं करते हैं. बट यू शुड रिवाइज द इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम्स एंड द इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं बार बार. ओके, एंड उनको रिवाइज करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, रिविजन का मतलब कोड रटना नहीं होता है बिल्कुल भी. डू नॉट कंपेयर दिस मेमोराइजिंग ऑफ कोड विथ रिविजन. रिविजन इज जस्ट, जैसे एक एल्गोरिदम की बात अगर हम लोग करें, कैडेंस एल्गोरिदम, तो आपको पता होना चाहिए कैडेंस एल्गोरिदम कैसे काम करता है. हम लोग बात करें प्रिम्स एल्गोरिथम, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रिम्स एल्गोरिथम एंड हाउ डज इट वर्क. सो ट्राई टू रिवाइज. ओके,
वीकली मतलब वीकेंड्स पे जब आप लोगों को ऑफ होता है यू कैन रिवाइज, ठीक है, या फिर इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग. सो रिवीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कीप देम कलेक्टिव. ओके, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उनको कलेक्टिव रखो एक जगह पे, आइदर मेगा गिटहब रेपो, या तो गिटहब पे पुश करते जाओ उनका कोड, या फिर एक नोटबुक मेंटेन कर लो मेरी तरह, जैसे मैंने यहाँ पर एक नोटबुक मेंटेन कर रखी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है देन आई राइट इट इन दिस नोटबुक. ओके, तो इस तरीके से यू कैन मेंटेन अ नोटबुक, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग लिख सकते हैं, रिवाइज करना पड़ेगा आपको. भैया हाउ टू टेक डीएसए नोट्स, नोट्स कैसे लिए जाएं? तो यार नोट्स लेने के लिए क्या होता है, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट द एल्गोरिथम. जैसे प्रिम्स एल्गोरिथम मैंने सीखा तो पहले तो मैं उसको इंग्लिश में लिख लेता था कि क्या कर रहा हूं मैं इस एल्गोरिथम में, ठीक है, इंग्लिश में लिख लिया, थोड़ा सा उसके बाद उसका कोड लिख लिया, ठीक है. मैं तो कोड ही प्रेफर करता हूँ रेदर देन राइटिंग द एल्गो, आई प्रेफर राइटिंग द कोड, क्योंकि मेरे को कोड बहुत ईजिली पढ़ने में आ जाता है. आई एम एबल टू रीड कोड वेरी फास्ट एंड एल्गोरिथम्स मच स्लोअर. तो वहां पर मैं कोड लिख लेता था और कोड के ऊपर ये लिख लेता था कि कैसे काम कर रहा है, और उस कोड को थोड़ा बहुत मतलब अगर मुझे लगता था कि कोई चीज़ मैं बार बार भूल रहा हूँ तो उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेता था, ठीक है. तो ये तो इस तरीके से मैंने एल्गोरिथम सीखे और कुछ ओके जस्ट अ सेकंड लेट मी प्लग इन द पावर. कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे थे जिसमें कुछ एल्गोरिथम लग रहा है और वो एल्गोरिथम थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो वो भी मैं नोट कर लेता था, क्वेश्चंस भी मैं नोट डाउन कर लेता था इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को ना, आई यूज टू नोट डाउन इन ए नोटबुक एंड फिर वो रिवाइज हो जाती थी चीजें. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम प्लगिंग इन द चार्जर. ओके, यस, थोड़ा सा अंधेरा हो गया यार, बट आई थिंक इट इज फाइन. ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर्ड है ये सारा कुछ प्रोसेस करने के लिए जो मैंने बताया? तो यार अगर आपके पास 6 महीने हैं तो आप बहुत लकी हो, और 6 से ज्यादा है फिर तो बहुत ज्यादा लकी हो, फिर तो यू कैन क्रैक एनी कंपनी दैट यू वॉन्ट. अगर 6 महीने भी हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी 6 महीनों में, इफ यू यूटिलाइज दिस टाइम. टाइम को वेस्ट कर दोगे फिर तो आपके पास चाहे 5 साल हो फिर भी नहीं हो पाएगी तैयारी, बट यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम आई वुड से. और जिनके पास कम टाइम है कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे, बट उनको थोड़ा सा ना पुश करना पड़ेगा, लाइक दे विल हैव टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम टू रिवाइज थिंग्स. उनको डीएसए शीट भी करनी है, ठीक है, उसमें 250 क्वेश्चन है, उसमें भी टाइम लगेगा. तो रिविजन आप लोग करते रहना, नोट्स आपने बनाते रहना. आई होप दिस इज क्लियर. डीएसए हमने लगभग कवर कर लिया है. अच्छा, अब देखो, जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, बिगनर्स, वो अबाउट 5 months, मैं बिल्कुल बिगनर्स की बात कर रहा हूं जो फर्स्ट ईयर में भी आए हुए हैं, they can give out 5 months to DSA. जहां पर सिर्फ आप DSA कर रहे होंगे और कुछ नहीं करेंगे उस 5 महीनों में, क्योंकि DSA में ही आपका most of the time required होगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी भी programming language नहीं करी है, programming करी नहीं है, ठीक है. So this is a requirement. उसके बाद going ahead, ठीक है, second semester से ही what you can do is along with DSA, DSA तो करोगे ही, वो तो छोड़ना ही नहीं है कभी, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा dev भी कर सकते हो. You can start with डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो. जिनके पास टाइम नहीं है दे कैन स्किप इट, जिनके पास टाइम है दे कैन स्टार्ट डेवलपमेंट. ओके, चलो डेव की भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, कि डेव में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, डेव क्यों रिक्वायर्ड है. तो बेसिकली देखो होता क्या है कि हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं ना, इंटरव्यूज में अंदर होते हैं डिस्कशंस, इंटरव्यूअर एंड आपके बीच में डिस्कशंस होंगे वहां पर. ओके, देयर यू विल रिक्वायर अ प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने काम किया हुआ है. ओके, सारे इंटरव्यूज में ये नहीं रिक्वायर्ड होता है, एंड बहुत सारे लोग आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करेंगे. लेट अस से आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बट अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है और इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो पूछना ही है,
So in that case, you will be asked more DSA or puzzles or theory. या तो DSA और पूछ लिया जाएगा या puzzles extra पूछ लिए जाएंगे या फिर theory पूछ ली जाएगी. लेकिन अगर project है तो आपका जो discussion है वो project के around भी रहेगा. 45 minutes से 50 minutes का अगर interview है उसमें अगर आपसे एक DSA question पूछ लिया, okay, एक DSA question आप लोगों से पूछ लिया तो बचे हुए time में they can discuss the project. बट अगर बचा हुआ टाइम है, लेट्स से 20 मिनट बचे हुए हैं आपके पास, तो ही कैन आस्क आइदर वन मोर डीएसए क्वेश्चन और पजल्स और थ्योरी. ओके, तो इसलिए आई से कि अगर एक प्रोजेक्ट हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो, तो एक तो वो ये है कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में मदद करेगा, उसके बाद इंटरव्यूज में भी मदद करेगा. रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में कैसे मदद करेगा वो, तो ऑफ कैंपस पता है आप लोगों को कि टीयर थ्री है, तो टीयर थ्री में ज्यादा कंपनीज कैंपस में नहीं आती हैं. ऑफ कैंपस में आती हैं भर भर की कंपनीज. तो ऑफ कैंपस में जब अप्लाई करते हो तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बहुत हेल्प करता है आपकी. ओके, प्रोजेक्ट आपकी काफी हेल्प करता है ऑफ कैंपस में. इनफैक्ट कैंपस में भी बहुत हेल्प करता है. इफ द रेज्यूमे सिलेक्शन प्रोसेस इज मैनुअल तो ये बहुत हेल्प करता है. तो इसीलिए प्रोजेक्ट इज ऑलवेज वेरी गुड ऑन योर रेज्यूमे. अब प्रोजेक्ट कैसे कैसे बना सकते हो आप, तो यार प्रोजेक्ट भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. एक्चुअली यू हैव द ऑप्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट. ओके, वेब डेवलपमेंट किस किस लैंग्वेज में हो जाती है, जावा में हो जाएगी, जावा स्क्रिप्ट में हो जाएगी, पाइथन में हो जाएगी. ओके, या फिर आप अगर फ्रंट एंड की बात करते हैं, वैसे इनके प्लेटफॉर्म्स में बता देता हूँ. जावा में देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग. जावास्क्रिप्ट में आपके पास नोड है ही, पाइथन में यू हैव जेंगो. देन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी आपके पास, ये तो मैंने बैक एंड बताया, फ्रंट एंड भी है आपके पास. फ्रंट एंड में यू हैव रिएक्ट. वैसे आप लोग इतने सारे ऑप्शंस देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, आपका क्लियर कट होना चाहिए कि आपको वेब करना है. वेब करना है तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से एक ले लो. जावा करनी है तो स्प्रिंग ये देख लो, जावा अगर आती है तो स्प्रिंग देख लो, पाइथन आती है तो जेंगो देख लो. वरना जावा सीख लो, को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, या पाइथन सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला. इट डिपेंड्स, मतलब मैंने ये भी सीखी थी एंड मैंने ये भी करी थी थोड़ी, तो मैंने दोनों ही करे थे, पाइथन फॉर जेंगो एंड जावा फॉर स्प्रिंग, ये दोनों करे थे मैंने. बाकी यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट एंड बहुत सारे एडिटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं फ्रॉम वेयर यू कैन रेफर एंड मेक अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के बाद ये मतलब छापना मत किसी का प्रोजेक्ट डायरेक्टली उठा के, चाहे एडिटोरियल से हो या चाहे किसी कोर्स से हो या कहीं वेबसाइट पर पढ़ा हो, किसी का प्रोजेक्ट उठा के छापना मत. ओके, what instead you can do is you can get an idea from that project and you can implement your own. Maybe you can do some really good changes in that project. Okay, it is not a good habit to copy someone else's. Yes, so hamare paas kafi sare frameworks hain. Frameworks hain, these are the frameworks. Did I say platform? If so then galti se bol diya hoga. These are frameworks only. So, इनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन मेक योर वेब प्रोजेक्ट. नाउ यू अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इज, अगर वेब नहीं करना है देन मोबाइल एप्स बना लो. उसमें भी आप लोग iOS ऐप बना सकते हो और यू कैन मेक एंड्रॉइड और यू कैन मेक एंड्रॉइड एप्स एंड एप्स यू कैन मेक इन फ्लटर. फ्लटर भी सीख सकते हो, फ्लटर से भी ऐप बना सकते हो. तो आपके पास ऐप डेवलपमेंट के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं मोबाइल ऐप में अगर इंटरेस्ट है तो. और अगर इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है देन यू हैव मशीन लर्निंग, तो इसमें भी आप लोग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो.
लेकिन सिर्फ एक ही चूज करना, या तो ML चूज कर लो, या फिर आप लोग मोबाइल एप्स के लिए कुछ चूज कर लो, या फिर वेब एप्स के लिए कुछ चूज कर लो, लेकिन सिर्फ एक ही के लिए करना. एंड ज्यादा ज्यादा टाइम आप लोगों को DSA पे इन्वेस्ट करना है. ओके ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब जब आप लोग सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में आते ही आप लोग DSA में अच्छे हो चुके होंगे और थोड़ा बहुत आपको डेवलपमेंट का आइडिया भी होगा. नाउ यू शुड फोकस ऑन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, क्योंकि सेकेंड ईयर से ही आप लोगों के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. ओके और जो लोग कॉलेज में नहीं है, जो लोग अभी प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो लोग भी सुन लो कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है. तो एक सब्जेक्ट आएगा आपका जिसका नाम होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये आपका जावा में भी अवेलेबल हो सकता है कॉलेजेस में, या C++ में भी अवेलेबल हो सकता है कॉलेजेस में. मेरे कॉलेज में ये C++ में था एंड काफी मजा आया था इस कोर्स में. बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आइडिया नहीं आता कि प्रोजेक्ट क्या बनाए, या फिर मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, not in this and not in this, what should they do? Unke paas time bhi nahi hai. They can make projects in DSA. DSA ka use karke bahut achhe achhe projects ban jate hain. Pata hai aap logon ko? You can use DSA and make your own projects. I guess maine is pe ek video upload kiya hua tha pehle apne channel pe. So where is that? Yes, here it is. Easy projects for resume, DSA projects. You can have a look at this. आप लोग को idea मिल जाएगा कि किस तरीके के आप लोग DSA के projects अपने resume में बना के डाल सकते हैं. Okay. You will find the video on Lead Coding by Faraz. वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं इसको. ठीक है, तो अभी आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना है. जब आपको कॉलेज करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है, तभी आप इसको थोड़ा सा फोकस से पढ़ लो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो. ओके एंड देन आप इसको बाद में रिवाइज कर सकते हो, नोट्स वगैरह अपने बना लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. देन what else after oops, another subject that you will have is database management system, DBMS. okay, DBMS आपका, DBMS नाम का एक subject होगा, वो आपको अच्छे से करना है. इसमें भी दो चीजें आती हैं, इसमें एक तो आपकी theory होती है और एक होती है आपकी SQL queries. दोनों important है. SQL queries काफी ज्यादा important है. theory आप लोग अगर नहीं आती है प्रॉपर थ्योरी तब भी चल जाता है, बट SQL क्वेरीज तो डेफिनेटली आना चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, मतलब बहुत इजीली आपसे ये हो जाएंगी. ओके ओप्स, DBMS EC वालों के लिए कहाँ से करें, मतलब जिनकी ब्रांच नहीं है, मैकेनिकल से हैं या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं, तो वो लोग यार व्हाट दे कैन डू इज दे कैन आइदर वॉच, अगर उनके पास टाइम है दे कैन वॉच दी लेक्चर्स, इनके लेक्चर्स प्रॉपर सीरीज वगैरह पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे. और जिनके पास टाइम नहीं है तो मैंने ये अपलोड किया हुआ है यहाँ पर. वेयर डिड आई अपलोड दैट? यस, समवेयर ओवर हियर. यस, ये रहा DBMS का. DBMS इन 3 डेज, मतलब बेसिकली व्हाट आई डिड इज आई प्रोवाइडेड अ शीट जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं DBMS के और उनके साथ साथ उनके लेक्चर्स हैं कि कहां से ये टॉपिक करना है, तो वो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया. अच्छा है वो रिसोर्स, यू कैन फॉलो दैट. आई एम सॉरी. एंड सिमिलरली DBMS की ही तरह और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो मैंने कवर कराया. SQL यहां से कवर कराया, DBMS की थ्योरी यहां से कर लो, SQL यहां से कर लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप यहां से देख लो. तो ये मैंने ऑलरेडी इसे वीडियोस बना दिए, बाकी ऑल्दो इन वीडियोस की क्वालिटी इतनी मस्त होगी नहीं बिकॉज दीज आर वेरी ओल्ड वीडियोस, डाल देंगे इसका भी बना के दोबारा से, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो जिनका वो सब्जेक्ट्स नहीं है वो कर सकते हैं. हाँ, सिविल वाले
सब लोग वहां से देख सकते हैं। ऑलराइट, चलो आप लोगों के क्वेश्चन भी मैं पिक कर लेता हूं। आप लोग अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं जल्दी जल्दी, यहां पर मैं थोड़ी देर क्वेश्चंस पिक करूंगा, देन आई विल कंटिन्यू। यू कैन स्टार्ट पुटिंग योर क्वेश्चंस एवरीवन। भैया मैं लीड कर रहा हूं, 150 प्लस क्वेश्चंस किए हैं और अभी भी डेली कर रहा हूं, लेकिन कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन नहीं हो रहे। 150 क्वेश्चंस हो सकता है आपने वो इजी क्वेश्चन ज्यादा कर लिए हो, तो मीडियम क्वेश्चंस करो। देखो कम से कम मीडियम क्वेश्चंस आपके 150 होने चाहिए इफ यू टॉक अबाउट लीड कोड ना। तो लीड कोड पे आप लोगों को मीडियम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं। ओके, यू हैव टू डू मीडियम क्वेश्चंस अलॉट ऑन लीड कोड। मैंने वीडियो में 542 क्वेश्चंस किए हुए हैं, सो यू शुड एटलीस्ट डू योर 200 मीडियम क्वेश्चंस। इतने तो मीडियम करो, तभी अच्छे से क्वेश्चंस हो पाएंगे फिर आपके कॉन्टेस्ट वगैरह में। ठीक है, व्हाट अबाउट सिस्टम डिजाइन? सिस्टम डिजाइन वैसे तो रिक्वायरमेंट है नहीं फ्रेशर की, बट फिर भी मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं फ्रेशर में, क्या रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम डिजाइन की? लो लेवल डिजाइन रिक्वायर्ड होता है बस। भैया मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी, मैं क्या कैसे करूँ यार? ईशा मैंने तो आपको बताया ना, स्टार्टिंग से ही बताया क्या करना है। यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम जर्नी, बट यू विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, दैट्स इट। इफ वी आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 1-2.5 ईयर इन अ प्रोजेक्ट विच डजंट इन्वॉल्व डेवलपमेंट, सो वाइल गिविंग इंटरव्यूज फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, वुड इट एक्ट एज अ डीमेरिट? यार थोड़ा सा डीमेरिट होगा मानू, यस इट विल बी अ डीमेरिट। ठीक है, बिकॉज वो चाहते हैं डेवलपर और डेवलपमेंट का आपका वो है नहीं प्रोफाइल, तो यही तो डिसएडवांटेज होता है। लाइक व्हेन यू गेट टू वर्क एट अ प्लेस और आपकी जब प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है तो आपको चेंज करने में मुश्किल आती है फिर। भैया मैं थर्ड ईयर में हूँ, अच्छा तुमने तो पूछ लिया। भैया आप कॉलेज टाइम में लेट नाइट स्टडी करते थे या अर्ली मॉर्निंग? नाइस क्वेश्चन प्रणव, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो यार मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं जल्दी उठ जाऊं और अर्ली मॉर्निंग स्टडी करूं, बहुत एक तमीज़ वाले बच्चे की तरह। बट द थिंग इज, कहाँ गया अपना स्ट्रीम यार्ड? बट द थिंग इज आई फेल्ड, आई यूज टू फेल अगेन एंड अगेन इन दैट। सुबह उठने का ट्राई तो करता था बट यार उठ नहीं पाता था, या तो उठ नहीं पाता था, मिस हो जाता था, या फिर उठ भी जाता था तो वो नींद आती रहती थी पूरे दिन, तो वो चीज मेरे से हो नहीं पाई अर्ली मॉर्निंग वाली चीज। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट नाइट का ही रखते हैं, और लेट नाइट में तो ये है कि मैं जितने टाइम तक चाहूं उतने टाइम तक जग के पढ़ सकता हूं, जब नींद आएगी सो सकता हूं, सुबह को तो वैसे ही लेट उठना है। तो मैंने तो भाई लेट नाइट फॉलो किया था, एंड नाउ अब मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हो तो आप लोग इसको चेंज कर दो, बिकॉज एक सेकेंड लेट मी प्लग इन द लाइट, यस। हाँ, अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हो तो आप लोग बढ़िया लोग हो यार, बट मैं नहीं था वो अर्ली मॉर्निंग पर्सन, सो दैट इज वाई आई कुड नॉट डू दैट। मैं तो लेट नाइट ही करता था और मेरे को सही लगता है, अभी भी मैं लेट नाइट कर लेता हूँ और मेरे को बढ़िया लगता है। ऑल दो उसकी वजह से मेरे यहाँ पर आप लोग को दिख रहे होंगे ऐसे डार्क डार्क से दो आ गए हैं, डार्क सर्कल्स, जो कि दिखने में थोड़े बेकार लगते हैं बट एफिशिएंसी तगड़ी आती है मेरे को। व्हाट डू यू से? कितने लोग हैं यहाँ पर डे वाले, जरा चैट में बताना मेरे को, डे और नाइट लिख के बताओ एक बार चैट में मेरे को। हाउ मेनी ऑफ यू आर डे पर्सन, हाउ मेनी ऑफ यू आर नाइट पर्सन, जस्ट राइट इन द चैट डे और नाइट क्विकली। डे नाइट डे पर्सन, यार डे पर्सन आजकल बहुत निकल रहे हैं मैं बता रहा हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ कभी कभी कि रात में, अपने चैनल के लिए मैं पूछता था पहले कि मैं रात में स्ट्रीम करूँ 11 बजे के आसपास, 11 से 1 बजे तक, लोग मना करते थे, लोग कहते थे भैया सोने का टाइम हो जाता है, हम उस टाइम पर सोते हैं। देख लो कितने सारे डे पर्सन है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप लोग डे पर्सन हो तो इसको मेंटेन करो, डे वाले होते हैं, अच्छा डे वाले होते इधर नहीं आते, अरे नहीं ये तो अभी कहाँ ज़्यादा टाइम हुआ है, अभी तो सिर्फ 10 भी नहीं बचे हैं अभी तो।
मेरे को आई ट्राई टू बी अ डे पर्सन बट आई कुड नॉट नाउ आई विल नॉट ट्राई बिकॉज आई विल बी वेस्टिंग टाइम इफ आई ट्राई ट्राई कर करके हार मान ली मैंने उससे तो ठीक है चलो मैं और क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ आपके भैया सिक्स सेमेस्टर में हूँ डीएसए शीट फॉलो कर रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है व्हाट शुड आई डू सिक्स सेमेस्टर मींस थर्ड ईयर ओके थर्ड ईयर में हो प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो अगर डेवलपमेंट थोड़ी बहुत आती है देन मेक अ प्रोजेक्ट नहीं आती है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीख लो यार कोई इशू नहीं है लाइक इफ योर डीएसए इज स्ट्रांग डीएसए अच्छी है टाइम दे पाओगे तो डेवलपमेंट सीख लो पैरेलली और अगर लगता है डीएसए ही स्ट्रांग नहीं है तो यार डीएसए कर लो फिर डीएसए अच्छे से कर लो ज्योति इज आस्किंग सर इंग्लिश प्लीज ज्योति यू कैन आस्क योर क्वेरी आई विल आंसर दैट इन इंग्लिश फॉर श्योर यू कैन आस्क ओके ज्योति हेलो आई डेली डू 2-3 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड मीडियम लेवल करेंटली डूइंग रिविजन ऑफ कंप्लीट डीएसए टॉपिक्स फ्रॉम मंडे स्टार्टिंग बीएसटी एमिंग फॉर गूगल नीड योर गाइडेंस यू आर डूइंग ग्रेट इफ यू आर practicing 2-3 questions daily but try to increase this number try to make it 4 or 5 I would say also if you are revising then definitely check out my 250 questions for a DSA sheet DSA sheet by Faraz just type DSA sheet by FRAZ you will get the DSA sheet and then do those questions unko acche se kar lo theek hai it will definitely help you bhaiya DSA notes preparation pe tips मैंने आपको बताया ना डीएसए नोट्स कैसे प्रिपेयर करने आई ऑलरेडी डिस्कस दैट थोड़ी देर पहले बता दिया ठीक है जब भी पढ़ो कुछ नया टॉपिक आए तो उसको नोट डाउन कर लो और एल्गोरिथम उसका कोड नोट डाउन कर लो कॉपी में और उसको रिवाइज कर लो एक दो बार चेकआउट कर लो कि बिकॉज कोड इसलिए बिकॉज आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हो बट मैं प्रेफर करता हूँ कोड लिखना बिकॉज मैं कोड को जल्दी से रीड कर पाता हूँ ओके 5 महीने बाकी हैं बी टेक फिनिश होने में डेवलपमेंट शुरू करूँ या डीएसए ही कंटिन्यू करूँ डीएसए अगर आपकी अच्छी नहीं है तो डीएसए ही कंटिन्यू कर लो डेवलपमेंट में पढ़ोगे तो दोनों चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएंगी तो डीएसए कर लो आप ठीक है अगर डीएसए अच्छी हो गई है तो फिर डेव कर सकते हो एमएल के प्रोजेक्ट हो तो एसडीए रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं यस यू कैन भाई थर्ड सेमेस्टर में हूँ डीएस अच्छे से नहीं हो पा रही है सर भाई भी लगा दिया सर भी लगा दिया आपने वैसे थर्ड सेमेस्टर में हो तो कोई इशू नहीं है ज़्यादा टाइम आपका नहीं गया यू कैन स्टिल स्टार्ट और जो भी मैंने स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी बताई है ना इस वीडियो में ही बिल्कुल शुरुआत से एक बहुत एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रेटजी बताई है वो फॉलो कर लो आप ओके देख लेना वीडियो को भैया वेब और एमएल आई एम नॉट गेटिंग इंटरेस्ट सो फॉर एचटीएमएल ओहो ये तो मेरा भी सीन था एचटीएमएल सीएसएस में मेरे को इतना इंटरेस्ट था नहीं शुड आई कंटिन्यू और स्विच देख लो यार आपको क्या करना है इट इज़ योर चॉइस इट इज़ योर चॉइस सर मैं कैसे क्या करूं ताकि इंटर्नशिप लगे एंड व्हाट इज़ अ गुड रिज्यूमे ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए थर्ड ईयर में तो यार वही करना है जो जॉब के लिए करना है वही इंटर्नशिप के लिए करना है यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटजी एंड द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज इंटरव्यूज जो होते हैं ना वो चाहे इंटर्नशिप की हो चाहे फुल टाइम की हो नंबर ऑफ राउंड्स एक आध कम ज़्यादा हो सकता है बट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच एंड एवरी राउंड इज एग्जैक्टली द सेम माइक्रोसॉफ्ट का मैं अगर इंटर्नशिप का इंटरव्यू दूं या फिर फुल टाइम का इंटरव्यू दूं आई विल बी आस्क्ड द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी नंबर ऑफ राउंड्स हाँ थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं मैनेजेरियल राउंड हो सकता है ना हो मेरा इंटर्नशिप में बट फुल टाइम मैनेजेरियल राउंड भी होगा दैट इज वाई एक आध राउंड ज्यादा हो सकता है डिफिकल्टी लेवल सेम रहने वाली है यू हैव टू प्रोसीड इन द सेम वे विच आई हैव डिस्कस फ्रॉम द स्टार्ट हाउ टू प्लेस इन अ product based company from tier 3 college se ho to I would say ki make a good project so that your resume get shortlisted ek bar ho jaye resume then you can basically prepare for the interviews ke liye prepare to khair abhi se start kar do aap okay shortlist agar ho jayega then be prepared for the interview and crack that bsc college graduate can follow this Yes, you can follow this. Resume review का कोई live session कर लीजिए. I don't know कितने लोग interested होंगे resume review के live session में. I'm not pretty sure about it. That is why अभी तक किया नहीं है live session on resume review.
हाउ टू गेट रेफरल फ्रॉम टीयर 3 टू बिग टेक जायंट्स. एक काम करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा फिर अगेन थोड़ी देर बाद. मेरे को 6-7 मिनट और दो, वो फिनिश कर लेते हैं, देन आई विल पिक अप मोर क्वेश्चंस. ठीक है, तो सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट आ जाता है, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप ये भी कर सकते हैं तो ये भी कर लेना, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ओके, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट करने हैं. सब्जेक्ट अगर आप लोग कॉलेज के टाइम पे कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, जब आपको पढ़ाया जा रहा है तभी कर लो तो दिस इज द बेस्ट थिंग. नहीं कर पाते हो, जैसे कि बहुत लोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रिपेयर देम बिफोर लाइक 2-3 मंथ्स बिफोर योर इंटरव्यूज, तब आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. रिसोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है वीडियो में कि कहाँ से आप लोगों को इसके प्रिपरेशन करनी है. ओके, चलो सब्जेक्ट्स भी हो गए हमारे, DSA भी हो गया, हमने डेवलपमेंट भी देख ली. तो अब आप लोग अगर स्टार्टिंग से इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप लोग इंटर्नशिप के इंटरव्यूज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली तैयार होंगे, और फुल टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. फुल टाइम में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको एक मैनेजेरियल राउंड का अलग से ध्यान रखना पड़ता है. ओके, अब बात रह गई छोटे मोटे टॉपिक्स, जैसे कि एप्टी. कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि एप्टी के बारे में बता दो. तो यार एप्टीट्यूड में तो क्या है आपका कि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इट हार्डली टेक्स 15 डेज ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको प्रैक्टिस कर लेना है. ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन. एंड आई वाज लुकिंग एट इट लास्ट टाइम, तो मैंने कोर्स स्टूडियो पे ही देखा था कि कोर्स स्टूडियो में गाइडेड पाथ में जाके एप्टी प्रिपरेशन, ये है एप्टी प्रिपरेशन. 160 कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, अरिथमेटिक सीरीज. ठीक है, तो ये कर लो यार, आई गेस इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा. और एक चीज़ है, इसको ऐसे मत करना कि पढ़ के आलस में फिर देख के कर रहे हो, बहुत देर बहुत टाइम लगा रहे हो, इसको बहुत फास्ट फास्ट करना. पेन पेपर लेके बैठना और तुरंत तुरंत करना इसको टाइमर लगा के, क्योंकि स्पीड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है एप्टी राउंड में. कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस स्पीड होनी चाहिए आपकी. ठीक है, तो जब ही आएगी जब प्रैक्टिस करोगे, तो टाइमर लगा के करना ये सारी चीज़ें. ये एप्टी हो गया आपका. देन एचआर राउंड के लिए थोड़ा सा अलग से आपको देख के जाना पड़ता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, कैसे कैसे उनको आंसर किया जाए. मैनेजेरियल राउंड के क्वेश्चंस थोड़े बहुत देख के जाने होते हैं. ठीक है, रटे रटाए आंसर मत बोल देना उनको, अपनी तरफ से बना के आंसर्स बोलना, अच्छे वाले आंसर्स बोलना. ठीक है, एंड यू हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दोस व्हेन दे आस्क यू कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. दे एक्सपेक्ट कि आपने इस क्वेश्चन पे तैयारी करी है. ओके, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम योर ओन सेल्फ. अपने आप से ही आपको वो चीज प्रिपेयर करनी है. ठीक है, चलो और क्या रह गया हमारा, प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, कर लिए. ठीक है, सिस्टम डिजाइन तो हमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है फ्रेशर्स के लिए. लो लेवल डिजाइन, तो लो लेवल डिजाइन आपका अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छा है तो लो लेवल डिजाइन आपका हो जाएगा. लो लेवल डिजाइन में बेसिकली आपको क्या यही बताना होता है कि दीज शुड बी दी एंटिटीज, दीज शुड बी दी सर्विसेज, दीज शुड बी दी कंट्रोलर्स एंड एवरीथिंग एल्स, ये सब बताना होता है. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, डेवलपमेंट करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा. और डेव नहीं कर रहे हो तो आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर अच्छे से कर लोगे, एग्जांपल्स वगैरह देख लोगे, तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन या लो लेवल डिजाइन. इट इज नॉट अ बिग डील. और ये लास्ट चीज है यार, दीज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ये तो जब पूछी जाएंगी, लेट अस से आई एम इफ आई चेंज अ जॉब कुछ एक्सपीरियंस के बाद, तब मेरे से पूछी जाएंगी. या फिर कोई भी बंदा अगर जॉब चेंज कर रहा होगा तब उससे पूछी जाएंगी कुछ एक्सपीरियंस के बाद. ऐसे डायरेक्टली फ्रेशर्स से तो बहुत रेयर है. ओके, नाउ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज हाउ टू गेट द कोडिंग, हाउ टू गेट द इंटरव्यूज. इंटरव्यूज तक पहुंचना कैसे है? वन वे इज ऑफकोर्स योर कैंपस प्लेसमेंट. ओके, यू कैन get placed from campus. एक है आपकी ऑफ कैंपस. ठीक है, तो ये तो आपका मोस्टली
CGPA पे डिपेंड करता है एंड वो जो फर्स्ट ऑनलाइन राउंड होता है उस पर डिपेंड करता है. इस पे आपके बेसिकली डीएसए के क्वेश्चंस आने वाले हैं. किसी किसी कंपनी में प्योरली डीएसए के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे. किसी किसी कंपनी में डीएसए के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ कुछ एमसीक्यूज पूछे होंगे या कुछ कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चंस पूछे होंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. एमसीक्यूज किसके होंगे? एमसीक्यूज इन्हीं सब्जेक्ट में से होंगे जो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपका जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं उसमें से होंगे ये सारे एमसीक्यूज. ठीक है, तो ये ऑनलाइन राउंड हो गया. इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए और सीजीपी आपकी एक सर्टेन पॉइंट से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए. जैसे आपका अगर कट ऑफ रख दिया कंपनी ने 7 का, तो आपकी सीजीपीए 7 से ज्यादा होनी चाहिए और आपका ऑनलाइन राउंड जो है वो अच्छा जाना चाहिए. तो कैंपस की बात होगी. ऑफ कैंपस में क्या होता है? ऑफ कैंपस में आपका रेफरल्स बहुत काम करते हैं और आपका सीधा पोर्टल पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, करियर पोर्टल. Amazon, Microsoft, Google सभी के करियर पोर्टल्स होते हैं, सारी कंपनीज के करियर पोर्टल्स होते हैं. सो इफ देयर इज एन ओपनिंग यू कैन अप्लाई देयर, या फिर आप लोग रेफरल मांग के भी कर सकते हैं. ओके, दीज आर द टू वेज यू कैन अप्लाई. अब रेफरल्स के लिए क्या होना चाहिए? तो बेसिकली आपको कोई रेफरल जब देगा जब आपकी कोडिंग प्रोफाइल अच्छी होंगी. कोडिंग प्रोफाइल अच्छी होंगी मतलब कोडिंग करते होंगे, बिकॉज तभी तो आप क्रैक कर पाओगे इंटरव्यू. एक बंदा है वो आपको रेफरल कब देगा? सिंपली तो दे नहीं देगा रेफरल. रेफरल जब देगा जब उसको लगेगा कि यार मैं इसको रेफरल दे रहा हूँ तो ये क्रैक कर लेगा. अगर ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, क्रैक कर पाएगा, तो आपको रेफरल मिल जाएगा बहुत इजीली. तो उसको कैसे दिखाओगे कि यू आर डिजर्विंग, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू? हाउ विल यू शो हिम? बाई शोइंग योर कोडिंग प्रोफाइल्स एंड योर रिज्यूमे. अपना रिज्यूमे सेंड करना रिक्वेस्ट करते हुए कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग, जॉब आईडी इज दिस. ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का. जॉब आईडी मेंशन करो, this is the job id and then this is my coding profile. isme aap apni koi bhi coding profile de do jis pe bhi aap log zyada code karte ho, then you can give your resume. okay. ye aapke bahut kaam aayegi coding profile aapko referrals dilane mein. राइट, तो इस तरीके से यू कैन आस्क फॉर रेफरल्स और आपको रेफरल डेफिनेटली मिल जाएंगे. बताइए आप क्यूएनए सेशन रखते हैं क्विकली. सभी लोग अपने अपने यहां पर क्वेश्चंस पूछेंगे जल्दी जल्दी. भैया डीएसए शीट में हर क्वेश्चन में कोई नई एल्गोरिथम ही लग रही होती है, डिमोटिवेट होते हैं कि सारे क्वेश्चंस रट रहे हैं. ऐसा लगने तो ऐसा नहीं लगना चाहिए पहली बात तो. और हर क्वेश्चन में नई एल्गोरिथम यूज नहीं होती है. एक सेक्शन होता है, सेक्शन में लिखा होता है लेट अस से बाइनरी सर्च. तो आप लोग अगर प्रॉपरली बाइनरी सर्च आप विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. और अगर आपको इनकेस देखने की जरूरत पड़ भी रही है देन यू शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड बिकॉज दिस इज लर्निंग. ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ आपको पढ़ा दिया गया और आपसे एक्सपेक्टेड है कि सभी क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, नोबडी इज बॉर्न नोइंग कोडिंग, दे एक्चुअली लर्न बाय डूइंग क्वेश्चंस, बाय लर्निंग एल्गोरिथम्स. सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली करेक्ट. नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. सही कर रहे हो, ठीक है, करते रहो प्रॉपरली. लेकिन जब दोबारा से क्वेश्चन, अगर एक करूंगा क्वेश्चन दोबारा से देखो तो उसको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, तब भूलना मत उसको. ठीक है, forms were out and there is an online test and interview which is basically behavioral based. हाँ, कुछ कुछ interviews के last में जो round होता है वो behavioral round होता है. उसमें behavior देखा जाता है आपका, situations भी दी जाती हैं कि इस situation में क्या react करोगे and कैसे handle करोगे चीज़ें. 12th की percentage matter करती है placement में, please reply. इसका मैंने already reply दे भी दिया है, दोबारा बता देता हूँ कि आपके 12th की जो परसेंटेज है वो सर्टेन कंपनीज को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, विच इज़ अ फैक्ट जिसको वी कैन नॉट डिनाई. सो यस, इट डज इम्पैक्ट इन इन प्लेसमेंट्स, बट बहुत सारी कंपनीज हैं
बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जहां पर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिस जो इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से डीएसए कर लो, अच्छे से डेवलपमेंट कर लो, जो भी बताया अच्छे से कर लो बस, ओके, विच इज द बेस्ट रिज्यूमे क्रिएटर वेबसाइट विद एटीएस फ्रेंडली, यार आई एम नॉट वेरी श्योर कि और कौन सी वेबसाइट है, बट आई नो ओनली अबाउट वन विच इज वेरी गुड, ओवरलीफ करके है, ओवरलीफ, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं, ओवरलीफ से देखो जाके, यू विल सी वेरी गुड टेम्पलेट्स देयर, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। भैया मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, डीएसए कर रहा हूँ, बेसिक थोड़ा आता है, लीड कोड में ट्राई करता हूँ, नहीं बनते हैं, नाउ कोड स्टूडियो में थोड़ा बहुत बनते हैं, एंड डीएसए देखकर क्वेश्चंस लॉजिक में ह्यूज टाइम लगता है, तो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस यार, यू विल हैव टू गिव टाइम, मतलब कई बार ऐसा होता भी था कि आई यूज टू गेट स्टक, जैसे मैंने प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ा, यूज टू गेट स्टक यार, प्रिम्स एल्गोरिथम में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, बट देन आई एक्चुअली गॉट की हाउ डज दिस एल्गोरिथम वर्क, तो क्रुस्कल्स है, ओके, डाइजित्रास है, तो सारे एल्गोरिथम में थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है, डीएस डिस्जॉइंट सेट यूनियन है, तो इसमें लग जाते हैं टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि कितना टाइम लग गया, बस एक बार जब आप इसको पढ़ लो टाइम लगा के, तो उसके बाद ऐसा पढ़ो कि आप उसको भूलो ना दोबारा से, उसके लिए आपको रिविजन भी करना पड़ेगा बीच में एक दो बार, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में पढ़ के, इतना तो तेज दिमाग का कोई नहीं होता कि एक ही बार में पढ़ के सारा कुछ उसको याद रहेगा, है ना, तो इसीलिए यू विल हैव टू रिवाइज इट। 12% का रिप्लाई कर दिया, विच इज द बेस्ट साइट रिप्लाई कर दिया है भैया, फोर्थ सेमेस्टर होने वाला है, इंडिविजुअल डीएसए स्ट्रॉन्ग, इंडिविजुअल डीएसए स्ट्रॉन्ग करूं कि वेब डेव, डीएसए तो स्ट्रॉन्ग करो ही, साथ साथ यू कैन स्टार्ट डेवलपमेंट, नो इश्यूज। भैया मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, बट कोई इम्पैक्ट ऑफ फिगर्स नहीं थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, क्या लिखूं रिज्यूमे में यार, इफ यू हैव डन इंटर्नशिप यू शुड बी एबल टू शो द सर्टिफिकेट ऑफ दैट इंटर्नशिप, हमारा तो कॉलेज ही अलाउ नहीं करता टू राइट सच अ थिंग, लाइक इफ यू डोंट हैव एनी प्रूफ, इवन इफ यू हैव डन इट एंड यू डोंट हैव प्रूफ, सो माई कॉलेज वुड नॉट अलाउ इट टू मैंशन इट, एंड आई थिंक दैट इज नॉट गुड टू मैंशन इट इट एट ऑल, बिकॉज फिर कंपनी इसको थोड़ा सा ऐसे तो कोई भी कुछ भी मैंशन कर देगा ना, हाउ विल वी वेरीफाई, तो ये चीज़ जरा ध्यान रखना, कुछ भी मेंशन करो तो उसका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपके पास, कुछ कोर्स भी मेंशन कर रखा है तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। भैया आई एम अ फ्रेशर एंड आई हैव बैड कॉलेज एकेडमिक्स, बैड सीजीपीए, बीटेक गॉट एक्सटेंडेड बाय 1 year ड्यू टू बैकलॉग्स, ओके, कैन आई स्टिल गेट गुड, यस यस यू कैन गेट, you can always get placed at a very good company, all you need to be is good at coding and good at development, theek hai, baad mein aap dev mein thoda time de do to aapko accordingly aapke roles mil jayenge, koi issue nahi harsh bhaiya maine, okay to aapka question dekh liya, which is the best bhi dekh liya hai bhaiya, fourth semester hone wala hai, ye bhi dekh liya hai, code forces mein achhi rank lane ke liye python use kar sakta hu kya, yes you can use python, no worries, ओके, पाइथन, अगर आपको पाइथन आती है डेफिनेटली यू कैन यूज पाइथन, नो इश्यूज एट ऑल, आप लोग क्वेश्चंस पूछ लो, मैं आंसर कर रहा हूं धीरे धीरे। स्पैमिंग मत करो आप लोग, एक बंदा ना एक क्वेश्चन एक ही बार पूछ लो, स्पैमिंग से थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा, फिर मैं क्वेश्चंस देख नहीं पाऊंगा, आप लोग स्पैमिंग नहीं करो कोई भी, मैं पढ़ लूंगा सबके क्वेश्चंस। कैन अ बीएससी सीएस क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इफ द कंपनी इज ओपन फॉर यू एंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड डेफिनेटली यू कैन क्रैक, बट द थिंग इज कि बहुत सारी कंपनीज ओपन नहीं होती है, सो दैट मेक्स इट अ प्रॉब्लम। भाई मेरी सीजीपीए कम है बट कोडिंग सही कर लेता हूँ, अगर सीजीपीए कम है तो कम का मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली कम है, तो कंपनीज कैंपस वाली कंपनीज में बैठ नहीं पाओगे,
जिसमें बैठ पाओगे उसको तुम निकाल लोगे बिकॉज आप डीएसए अच्छी कर लेते हो और ऑफ कैंपस सब में बैठ पाओगे. ठीक है, क्या ना बीएससी सीएस ये तो हो गया. माइक्रोसॉफ्ट का क्राइटेरिया 70% का है. आई डिडंट नो दैट. मैंने कभी क्राइटेरिया माइक्रोसॉफ्ट का देखा नहीं है 70% का लिखा हुआ. आई वॉज नॉट श्योर एंड इफ इट इज तो फिर तो दिक्कत है. 69% पे नहीं अलाउ होगा बैठना इफ द क्राइटेरिया इज 70%. तो भाई आई एम ए फ्रेशर एंड आई हैव बैड कॉलेज. ये तो मैंने पढ़ लिया है. देखो वही है, स्पैमिंग से दोबारा दोबारा क्वेश्चन सामने आ जाते हैं. सो प्लीज डू नॉट स्पैम. मैं आंसर कर दूंगा सभी ये क्वेश्चन. ओके भैया, लुकिंग एट द करंट ट्रेंड इट इज एडवाइजेबल टू जस्ट रिलाई ऑन क्लियरिंग इंटरव्यूज. सीपी yes 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 so cp is going to help you in online rounds which are the first rounds but it is not always the case that first round mein aapke cp ke hi questions puche jayenge. dsa ke bhi puche jate hain. to agar aap logon ka dsa strong hai yahi apna course studio lead course se kar lo questions aur acche level tak ke questions kar lo medium and hard kar lo to wo bhi aapka kafi help karega. okay Sir, I'm doing diploma. Can I become software engineer in Microsoft? I guess Microsoft doesn't allow if you are not graduate. I guess diploma ke baad aapko kuch aur degree karni padegi, then only Microsoft will allow to sit. भैया आर 2-3 months समर ब्रेक गुड इनफ फॉर प्रिपरेशन? नॉट द एंटायर प्रिपरेशन. यू विल नॉट बी एबल टू डू द एंटायर प्रिपरेशन इन 2-3 months बट या फॉर श्योर यू कैन रिवाइज एंड गेट योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग इन दीज 2-3 months. सारा कुछ तो हो नहीं पाएगा, डीएसए भी हो जाए एंड सब्जेक्ट्स भी हो जाए, डेवलपमेंट भी हो जाए, तो इतना सारा हो नहीं पाएगा. कुछ बीच में लैग हुआ था, कनेक्शन इशू होगा. कोडशेफ से कोडफोर्सेस स्विच करना सही है? यस यू कैन स्विच इफ यू वांट. एवरीबडी मेक्स दैट स्विच इवेंचुअली. कोडफोर्सेस तो मैक्सिमम लोग करते ही हैं. यार कितना स्पैम कर दिया. अब जिसका भी क्वेश्चन मेरे को दो बार दिखेगा ना, सेम सा क्वेश्चन दो बार दिखेगा, आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. सिर्फ एक बार दिखना चाहिए. भैया इंग्लिश इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू राउंड्स? यस इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू राउंड्स बट यू शुड नॉट बी वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रामर की एक एक चीज देखी जाएगी. यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर कोड, एक्सप्लेन योर कोड. यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट प्रोसेस एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड. यू नीड नॉट टू बी वेरी एक्सीलेंट, यू नीड नॉट टू बी वेरी फ्लुएंट ऑल्सो. बस ये है कि आप बस अपना जो कोड है वो बता पाओ, अपना एल्गोरिथम समझा पाओ इंग्लिश में, दैट इज इनफ.
सर करंटली आई एम इन सेकेंड ईयर आई एम कन्फ्यूज वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट प्लीज सजेस्ट मी सम प्लेटफॉर्म फॉर एप डेवलपमेंट वेयर आई कैन लर्न द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज यूट्यूब यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब वहाँ पर कोई पक्का कोई प्ले लिस्ट पड़ी होगी यू कैन सर्च इट अदरवाइज यूडेमी पे देखो एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द पेड कोर्सेज यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट कोडिंग निंजास कोर्सेज कोडिंग निंजास के जो पेड कोर्सेज है वहाँ पर भी आप देख सकते हो पेड अगर करना है तो वरना फ्री में है तो यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल होता है तो वहां से यू कैन फॉलो वन ऑफ द प्लेलिस्ट जिसपे व्यूज वगैरह अच्छे हैं थोड़े तो ये हो गया आपका BCA के बाद फैंग या क्यूरफिट जैसी कंपनी के लिए बैठ सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल है BCA के बाद भैया आई एम टू सॉल्व इजी प्रॉब्लम्स इन लीड कोड बट मीडियम क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहा है ये लॉजिक नहीं बन रहा है क्या करूं प्लीज रिस्पॉन्ड तो यार उसके लिए तो सम मोर लर्निंग माइट बी रिक्वायर्ड मे बी जैसे आपका कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम आता नहीं है सो अगर क्वेश्चन में वो यूज हो रहा है देन यू नीड टू लर्न दैट एंड उसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो साथ साथ इस तरीके से यू विल बी एबल टू लर्न न्यू टॉपिक्स आपके अकॉर्डिंग ऐसा सी जी पी है जिसमें 90% कंपनी बैठ सक ओके और माइक्रोसॉफ्ट कितने सी जी पी अलाउ करती है 9 सी जी पी इफ यू हैव 9 प्लस यू विल बी एबल टू सीट 90% ऑफ द कंपनीज 100% ऑफ द कंपनीज एक्चुअली 8.5 से ऊपर है तो 90% ऑफ द कंपनीज 9 है देन 100% ऑफ द कंपनीज हाउ अबाउट द ड्रॉप आउट्स कॉलेज से ड्रॉप आउट क्यों किया आपने देयर मस्ट बी अ रीजन वेरी सॉलिड रीजन फॉर दैट See, I am again requesting you to not ask questions two times because usse kya hota hai, I will be skipping few questions. Baaki logon ke questions skip ho jate hain. To isiliye ab jo do bar question puchega, do se zyada bar question puchega, I will not reply to that particular question. Theek hai? Usko main reply nahi karunga fir. Bahut spamming bahut ho rahi hai. Do not spam. Ek minute 50 bar puch liya question ko. I want to answer each and everyone. बट इट विल ओनली बी पॉसिबल अगर स्पैमिंग नहीं करो तो कोडिंग निंजा से डीएसए कर लिया रिवाइज कैसे कहां से नए क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोड स्टूडियो पे लग जाओ सॉल्व करने के लिए किस ईयर की सीजीपीए ली जाती है किस ईयर की सी जी पी ली जाती है इन कैंपस प्लेसमेंट के लिए टोटल एग्रीगेट ली जाती है फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक की एग्रीगेट या फर्स्ट ईयर से लेकर जहां तक आप पहुंचे हो वहां तक की सारे सेमेस्टर्स की सी जी पी ए को एवरेज किया जाता है वाई वाई गेमर्स उन्होंने दो तीन बार पूछ लिया था ये सेम चीज़ ऊपर इसीलिए तो मैंने स्किप किया डिफरेंट ब्रांच देन सी एस आई टी वालों का भी मैटर करता है सी जी पी ए डिफरेंट ब्रांच देन सी एस आई टी वालों का भी मैटर करता है नहीं ज़्यादा देखो ब्रांच भी एक चीज़ है कि ब्रांच से भी आप लोगों का डिसाइड होता है कि बैठ पाओगे नहीं बैठ पाओगे कंपनी आके बोलती है वो सी एस सी के लिए खुली है आई टी के लिए खुली है तो उसी वही बंदे बैठ पाएंगे बाकी नहीं बैठ पाएंगे फिर आपके जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बातचीत कर सकते हैं लाइक दे कैन से कि हमारे पास तो यार मैकेनिकल में भी बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स हैं लास्ट टाइम भी मैकेनिकल से प्लेसमेंट लगी थी बहुत अच्छी अच्छी कोडर्स बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं यहाँ पर अच्छे रेटिंग बहुत अच्छी है लोगों की अच्छे डेवलपमेंट करते हैं देन दे विल ओपन इट कर देंगे ओपन कोई इशू नहीं आएगा ठीक है Amazon के लिए कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग मैंडेटरी है और नॉट नो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर Amazon हाउ कैन आई गेट मोर देन 6 LP एज अ फ्रेशर प्रिपेयरिंग फॉर फुल स्टैक वेब यू कैन इजीली गेट मोर देन 6 LP तो सबका बार इतना रेज हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग यू विद द CTC मोर देन 6
लगा लीजिए. टाइमर कैसे लगाते हैं? सेटिंग्स में जाके आई एम नॉट एबल टू पुट टाइमर हियर. यूट्यूब पे तो मेरे को पता है कि कैसे लगाया जाता है, बट बैनर्स यहाँ पर आई गेस नहीं है ऑप्शन टाइमर का. एनीवेज भैया हैश मैप सीरीज लाओ, लेके आ जाएंगे सीरीज, कोई इशू नहीं है. What to learn before development, like OS, DBMS. अगर आपको DBMS आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तब भी हो जाएगा काम, कोई इश्यू नहीं आएगा ज़्यादा. बट इफ यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ DBMS तो बहुत अच्छा लगेगा डेवलपमेंट करना, बिकॉज यू विल बी ऑलरेडी अवेयर कि स्कीमा क्या हो एंड कैसे रिलेशंस हो आपस में स्कीमा में, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको समझ में. माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस में 8 CGP मांगती है क्या? If it is, then it might be correct. 8 CGP मांगती होगी ऑफ कैंपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है. 8 CGP मतलब कर लो यार, 8 से ऊपर रखो आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में बैठ पाओ. What to learn before development, like OS, ये तो हो गया. भैया Google, Amazon, Microsoft की ऑफ कैंपस CGP क्राइटेरिया क्या है? अभी किसी ने बताया Microsoft की इट इज़ 8, बट Amazon एंड Google का मेरे को नहीं पता. इफ़ एनी वन नोज देन प्लीज राइट डाउन इन दी चैट. हैशमैप सीरीज लेके आएंगे, हैशमैप सीरीज. वांट टू लर्न हाउ कैन आई गेट, ये तो हो गया क्वेश्चन. ईच टॉपिक पे हाउ मच क्वेश्चंस शुड आई सॉल्व, ये आपको कल पता चलेगा. ओके, ईच क्वेश्चन पे, ईच टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको कल पता चलेगा. मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस पे और आई विल बी टेलिंग यू कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या करने हैं, वो सारा कुछ बता दूंगा उसमें. How to learn DSA developments like what to learn before. Okay, तो हो गया यार, कितनी बार पूछ लिया है. टाइमर लगा दो स्पैमर्स अवॉइड करने के लिए. यार टाइमर आई डोंट हैव द एंटायर कंट्रोल्स एक्चुअली, मेरे को पता भी नहीं है कैसे लगता है टाइमर. लव यू सर, थैंक्स अ लॉट. यार चैट का टाइमर लगेगा कहाँ से यहाँ पर? There is no option, but कोई बात नहीं, अब तो time भी थोड़ा कम बचा है, so क्या करेंगे timer लगा के अब. I have solved about 47 questions on LeetTool, but not getting enough confidence. अरे 47 तो कुछ भी नहीं है, you have to solve a lot of questions. कम से कम 300 करो, उसके बाद बताना है confidence आया है नहीं आया, ठीक है? Thanks, you're most welcome. Want to learn development, ये भी हो गया. अरे यार, now I will not be able to pick more questions because मैं spam वाले questions ही read करता चला जाऊँगा. एनीवेज चलिए आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा. हाउ वॉज द सेशन, डिड यू एंजॉय दिस सेशन? मज़ा आया आज कुछ सीखने को मिला, और जो चीज़ सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. लेट मी नो. बताइए. बहुत अच्छा मनीषा शर्मा, थैंक्स अ लॉट मनीषा. थैंक्स अ लॉट सूर्या, बढ़िया एज यूजुअल, थैंक यू सो मच. जिनके क्वेश्चंस मैं आज आंसर नहीं कर पाया हूँ तो कल मैं उनके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा. द टाइमिंग इज गोइंग टू बी सेम, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 9 to 10:30. ओके, 9 to 10:30. यार ये स्टार स्टार से इतना फर्क नहीं पड़ता कि 4 स्टार है या 5 स्टार. 5 स्टार तो क्या ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 3-4 स्टार कुछ ज़्यादा मतलब फर्क पड़ता नहीं है इससे. बस ये है कि आपके इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे होने चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको. सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो. एक्सपर्ट इन कोड फोर्स इनफ फॉर ऑन कैंपस, यस एक्सपर्ट अगर आप हो तो अच्छी बात है, इट इज़ गुड. Code forces pe expert. So before we leave, let me present this screen. Oh, screen ke presented hai.
स्क्रीन इज नॉट, या इट इज प्रेजेंटेड. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप जो भी चीजें आज हमने डिस्कस करी हैं यहाँ पर वो आप सारा इम्प्लीमेंट भी करेंगे. ओके और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इफ देयर इज एनी फीडबैक दैट यू वांट टू गिव यू कैन गिव दैट फीडबैक. और आप लोग मेरे चैनल लीड कोडिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं, लीड कोडिंग बाय फराज, यहाँ पर भी आपको यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा. ओके company have online assessment rank, then why they shortlist student on CGPA basis? Because sometimes what happen is कि आपके online round के question आपने भी तीन करे, आपके दोस्त ने भी तीन करे, तब क्या करेगी कंपनी बताओ? तब तो उसको देखना पड़ेगा ना कि अब किसको लिया जाए. उसको लेना है मान लो एक बंदे को, और आपने भी तीन question कर लिए, आपके दोस्त ने भी तीन question कर लिए, वो CGPA देखते हैं. ठीक है, मेरे सामने दो बंदे हैं, दोनों इक्वली क्वेश्चंस करके आए हुए हैं. एक की सीजीपीए है 9, एक की सीजीपीए है 6.9. आई विल बी सिलेक्टिंग द सीजीपीए 9. उसने मेहनत करी है सीजीपीए लाने में, क्योंकि मेरे को तो यही पता है उसने मेहनत करी है सीजीपीए लाने में. अब वो कैसे भी लाया हो वो मुझे नहीं पता, बट यस ही हैज वर्क फॉर इट. प्लीज आंसर मी लास्ट, पूछो क्या क्वेश्चन है. कितनी प्रिपरेशन चाहिए इंटर्नशिप के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए? यही तो मैंने आपको बताया, ये इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कल आ जाएगी वीडियो मेरे चैनल पे, तो पता चल जाएगा आपको. कितनी प्रिपरेशन चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने हैं सब. बाय द वे इज योर लीड कोड 250 क्वेश्चन शीट इनफ फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज? It is enough for cracking the technical interviews if you do them very sincerely. If you complete the sheet very sincerely, do not memorize the questions. You have to look at each and every concept which is being used there. So, सारे concept अगर आपको आ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो technical interviews तो आप निकालोगे आराम से. कल कितने बजे? कल same timing रहेगा, 9 से 10:30, same time रहने वाला है कल भी. फिफ्थ सेमेस्टर के बाद 7.07 CGPA है, और टीयर टू कॉलेज है थापर, अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी. हाँ यार, इफ कंपनीज अगर आती हैं और CGPA तुम्हारे CGPA के आसपास रखती हैं तब बैठ पाओगे उसमें. 7 रखती हैं ज़्यादातर कंपनीज, 7 CGPA शुड बी द कट ऑफ, बैठ तो जाओगे उसमें, अच्छे से टेस्ट दे देना. लव यू भैया, आपका सब्सक्राइबर हूँ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द सेशन, यू मोस्ट वेलकम, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर अटेंडिंग. ओके कल भी आप लोग आ जाना 9 to 10:30. और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोडिंग निंजास चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना टू गेट सच यूजफुल कंटेंट. ऑलराइट, so take care everyone, bye bye, good night everyone, bye bye.